ओके चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जहां पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। चलिए भाई तो शुरू किया जाए। पहला सवाल क्या कहता है देखिए मेरे मुन्ना लोग, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पहले सवाल में डेटा क्या दिया है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमिन देयर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। दो चीजें निकालना है आपको, ऑर्डर एंड द डायमेंशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान खाली कहाँ होना चाहिए बच्चों, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि रेट इक्वेशन क्या दिया हुआ है। तो पहले में अगर आप देखोगे ना, तो आपको रेट का इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू एनओ टू स्क्वायर। चलिए बच्चों, ऑर्डर का मतलब कुछ नया नहीं है, ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर जो पावर है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर खाली कितना होगा, टू होगा, बिकॉज यहाँ पे एनओ टू का टू पावर है। चलिए यूनिट ऑफ के क्या बनेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट ऑफ के, राइट। तो के का यूनिट बनेगा बच्चों आपका के, क्या बनेगा आपका रेट डिवाइड बाई एनओ टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। ये बन जाएगा आपका रेट डिवाइड बाई एनओ टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। चलिए के का यूनिट, रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है बच्चों आपका मोल पर लीटर, रेट का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे वापस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, मतलब नीचे है आपका मोल पर लीटर का स्क्वायर, नीचे है आपका मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे आपका ये बच जाएगा बच्चों मोल पर लीटर का, ऊपर एक पावर है नीचे टू पावर है, वन माइनस टू मतलब माइनस वन पावर एंड सेकंड इनवर्स। आप ब्रैकेट ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इट इज मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स का इनवर्स है, मतलब लीटर पावर वन सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ के। क्या है बच्चों ये आपका, ये है आपका यूनिट ऑफ के, दिस इज यूनिट ऑफ के फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। या फिर मैं यहाँ पे आपको एक सीधा सीधा शॉर्टकट भी दे सकता हूं, मेरा शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू वन माइनस ऑर्डर इंटू सेकंड इनवर्स, राइट। तो अभी हम आगे से ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे, मोल पर लीटर वन माइनस एन, एन क्या है बच्चों ऑर्डर है, ये एन और कुछ नहीं है, एन क्या है बच्चों आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जो अभी हम यूज करेंगे। तो आप सेकंड वाले को देखो, चलो सेकंड में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आप सेकंड के अंदर अगर देखोगे ध्यान से, तो आपको रेट का इक्वेशन ऐसा कुछ दिख रहा है कि रेट इज इक्वल टू, रिएक्शन का कोई काम नहीं है, रेट इक्वेशन देखो खाली के इंटू एच टू ओ टू और साथ में है आई माइनस, राइट। चलिए तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्डर में देख पा रहा हूँ एच टू ओ टू का एक पावर है, आई माइनस का भी एक पावर है, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका वन प्लस वन, दैट ऑर्डर इज इक्वल टू टू। चलिए बच्चों साथ में लिखते हैं यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो यूनिट ऑफ के मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, मोल पर लीटर रेस टू वन माइनस एन, एन का वैल्यू है टू, साथ में आ गया सेकंड इनवर्स, तो ये भी हो जाएगा आपका मोल पर लीटर का माइनस वन पावर और साथ में रहना है आपका सेकंड इनवर्स। चलिए थर्ड वन, थर्ड वन में बच्चों देखिए आपका रेट इक्वेशन जो मुझे दिख रहा है दैट इज के इंटू थर्ड वन सी एच थ्री सी एच और रेस टू थ्री बाई टू। हमारा ध्यान खाली इसके ऊपर ही होना चाहिए कि रेट के इक्वेशन क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑफ नो मीनिंग राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए तो जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो ऑर्डर है कितना पावर दिख रहा है, रेट कॉन्स्टेंट का पावर एक ही है खाली, कॉन्सेंट्रेशन का पावर है थ्री बाई टू, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एन का वैल्यू या ऑर्डर है 1.5। चलो बच्चों यूनिट ऑफ के की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा आपका मोल पर लीटर रेस टू हो जाएगा 1 माइनस एन जो है आपका 1.5, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना रखेंगे 1.5 और साथ में आता है सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स, राइट, एज पर द क्वेश्चन वी विल पुट। मैं यहाँ पे सेकंड इनवर्स रख रहा हूँ, राइट। तो दिस इज गोना बी मोल पर लीटर 1 माइनस 1.5 दैट इज माइनस 0.5 पावर सेकंड इनवर्स, यू कैन कीप इट लाइक दिस ओनली, ऐसे ही करके आप छोड़ सकते हो। चलिए फोर्थ देखते हैं बच्चों, तो फोर्थ बारे में आप देख पा रहे हो रेट आपको दिया हुआ है के इंटू सी टू एच फाइव सी एल का कुछ नहीं है, मतलब एक पावर है, तो यहाँ पे जो आपको ऑर्डर 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 चाहिए वो ऑर्डर खाली एक ही पावर है, मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू वन। चलो यूनिट ऑफ के की बात कर लेते हैं मुन्ना लोग फटाफट, तो यूनिट ऑफ के यहाँ पे हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर रेस टू वन माइनस एन जो एन यहाँ पे वन है इंटू सेकंड इनवर्स, वन माइनस वन मतलब जीरो पावर, तो ये तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका के का यूनिट है खाली और खाली सेकंड इनवर्स। चलो ये हो गया आपका पहले नंबर का सवालम। दूसरे नंबर का सवालम क्या है देखते हैं, तो दूसरे नंबर के सवालम में ऐसा कहा है कि एक रिएक्शन है 2a plus b will give you a to b, हाँ जो हमें चाहिए वो ये रहा रेट k into a raise to 1 b square,
मैं तो पहले लिख दूंगा रेट को। हाँ तो रेट इज गिवन विच इज के इंटू ए रेस टू वन है और बी का स्क्वायर है। चलिए और क्या कहा है, विद द के वैल्यू गिवन 2 × 10⁻⁶ कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन यू हैव इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी। तो दोनों के आपको बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए है। दिस क्वेश्चन इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर 4 marks। So what we have the value of k, and this value of k is 2 × 10⁻⁶ unit, whatever the unit, हमें कोई काम नहीं यहाँ पर unit का, okay? और आपके पास initial concentration दोनों reagent के दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपके पास दोनों reagent के initial concentrations है, तो A का initial concentration है, call it A0, 0.1 mole per liter, as you can see in question, similarly जो दूसरा reagent है आपका B, उसका भी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, दैट इज 0.2। आपको फाइंड करना है इनिशियल रेट, तो कुछ नहीं करना है, रेट के इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हम करेंगे रेट इज इक्वल टू, चलिए के का वैल्यू आई विल राइट इट लाइक के इंटू ए जीरो रेस टू वन बी जीरो रेस टू वन, मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल रख दिए। चलिए k का वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, a का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, उसका 1 पावर है, b का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 और उसका 2 पावर है। ओ अभी मैं गलती कर देता, बोलो उसका कितना पावर है, 2 पावर है। चलिए भगवान ने आपको कैलकुलेटर दिया है, भगवान ने आपको छोटा छोटा सा दिमाग भी दिया हुआ है, और छोटे से दिमाग से आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा ये 8 × 10⁻⁹, और रेट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, रेट का यूनिट होता है बच्चों मोल पर लीटर। टाइम आपका किसमें है, टाइम किसमें है, सेकंड इनवर्स के अंदर है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल रेट। क्या फाइंड किया बच्चा आपने, ये फाइंड किया मेरे बच्चा लोग इनिशियल रेट। चलो मुन्ना लोग एक सवाल हमारा आ चुका है, राइट ओके। अब हमें क्या कहा है, नाउ दिस पार्ट सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट में ऐसा कहा है नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, रेट आफ्टर A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। चलिए बच्चों तो यहां पे आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, 2A plus B will give you A2B, because अगर आपको रेट निकालना है तो आपको A का भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, B का भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, आपको A का कॉन्सेंट्रेशन तो दे दिया है 0.06, बट B कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, मिल जाएगा, बिल्कुल डरने का काम नहीं, आपके साथ कौन बैठा है वो तो देखो, अब आंसर तो मिलना ही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का था आपको 0.1 मोल पर लीटर, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.2 मोल पर लीटर। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज अब यहाँ पे पिक्चर में आता है स्टोकियोमेट्रिक, राइट। आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको जो दिया हुआ है वो आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.06, आपको ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये चेक करो कि ए में कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, तो 0.1 में से 0.06 हो गया, मतलब ये डिक्रीज होना है 0.04 का, है कि नहीं। ए में कितना डिक्रीज हुआ भाई, ए में डिक्रीज हो रहा है 0.04 का, तो बी में कितना डिक्रीज होगा, तो मुझे तो स्टोकियोमेट्री आता है, मुझे मेरे सर ने स्टोकियोमेट्री सिखाया था, आपको भी सिखाया ही है, तो बी का डिक्रीज होगा 0.04/2 जितना, का है क्योंकि जब ये 2 मोल डिक्रीज होगा ना तो ये सामने 1 ही मोल डिक्रीज होगा, तो मतलब ये आधा ही डिक्रीज होना है, मतलब अगर ये 0.04 डिक्रीज हुआ तो ये उसका आधा ही डिक्रीज होगा, मतलब ये डिक्रीज होगा उससे ज्यादा, मतलब 0.02 मोलर, राइट। तो ये पूरा गेम यहां पर है, इस क्वेश्चन का पूरा खेल जो है ना वो यहां पर है। देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 में से 0.06 हो गया, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन हुआ 0.04 का, तो अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन में 0.04 रिडक्शन हुआ है तो बी के कॉन्सेंट्रेशन में उसका आधा ही रिडक्शन होगा, बिकॉज स्टोकियोमेट्री ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता हूं, राइट। तो ए के बी के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है 0.02 का, तो बी कॉन्सेंट्रेशन था कितना 0.2 था, उसमें से डिक्रीज कितना हुआ 0.02 का डिक्रीज हो गया, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बचा है आपका 0.18 मोलर, बराबर। आपका बी कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है 0.018 मोलर बचा है। अब आप रेट फाइंड करने के लायक हो चुके हो, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू इक्वेशन, देखो ए रेस टू वन था और बी का पावर था स्क्वायर, ये रहा आपको दिया था ऑलरेडी, राइट।
चलो बच्चों, के का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, वो तो रेट कांस्टेंट है, 2 × 10⁻⁶। देखिए आपको दिया था यहाँ पे के का वैल्यू। चलिए ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना था, 0.06, उसका 1 पावर है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.18, उसका आपको करना है 2 पावर, राइट। तो यहाँ पे यही आपका खाली ट्रिक था, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिक क्या था, यहाँ पे आपका ट्रिक था टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी, टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी फ्रॉम गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फ्रॉम गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए। यही आपका छोटा सा इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था, जहां पे आप तकलीफ में रख सकते हो अपने आप को। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना, अब आपको कैलसी भी काम कर लेना है। दिस इज गोना बी 3.89 × 10⁻¹। यूनिट क्या होगा, वापस रेट ही है ना, तो रेट का यूनिट होगा आपका मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका रेट जब ए का कॉन्सेंट्रेशन हो जाना है 0.06, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका दोनों जो ऊपर पूछे गए प्रश्नों का हल या क्वेश्चन का आंसर, राइट। आई पुट इट वेरी 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 क्लियर टू यू, देख लो मैंने क्या ट्रिक यूज किया है वो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए तीसरे सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर। ओह, 0 ऑर्डर, तो मुझे तो ऐसा हिंट दे दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज, देखो हाईलाइट किया मैंने, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब जानते हो, 2NH3 डीकम्पोज करना है भाई, विल गिव यू N2+3H, दैट इज डीकम्पोजिशन, राइट। चलिए 0 ऑर्डर है, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा बच्चों, वापस हाईलाइट होगा, ये रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3⁰, बिकॉज ये 0 ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा बच्चों, आपका रेट जो है ना वो खुद के जितना होगा। पूछा क्या है, व्हाट आर द रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ द के इज गिवन। आपको तो रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, चल मुन्ना बिल्कुल डरना नहीं, यहाँ पे रेट आपका हो जाएगा के जितना, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखे, तो यहाँ पे आप अगर स्टोकियोमेट्री यूज करोगे तो आपका रेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका रेट अगर आपको N2 के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि N2 आपका प्रोडक्ट के साइड है, दैट इज dN2/dt, और नाइट्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे नीचे रहेगा 1/1 इज इक्वल टू, अगर आपको यही हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे dH2/dt, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे आपका जाएगा 1/3, राइट। बस तो यही आपको यूज करना है। चलिए, तो रेट का वैल्यू के जितना है, बिकॉज 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और K का वैल्यू आपको दिया है बच्चों मेरे 2.5 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, व्हाटएवर। चलिए पहले फाइंड करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का रेट निकालना है ना, तो खाली इतना ही पार्ट यूज करो बच्चों, K dN2/dt is equal to K, right? तो ये आपका क्या है, ये और कुछ नहीं है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब टाइम के साथ कितना नाइट्रोजन बन रहा है, तो दैट इज इक्वल टू के इटसेल्फ, एंड के इज 2.5 × 10⁻⁴ रेट है, तो यहां पे आप यूनिट चेंज करोगे, रेट क्या होता है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, राइट। चलिए आपको और पूछा गया है रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। चलो मुन्ना लोग, तो यहां पे आप इस पे ध्यान दो, ये वाले पार्ट पे, हाइड्रोजन वाले पार्ट पे, तो आपको खुली आंखों से दिख रहा है 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू, रिलेट कर 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 इज इक्वल टू के, है कि नहीं। तो यहां पे आपका जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन का रेट है ना, dH2/dt इज इक्वल टू 3 × k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया खाली, तो 3 × 2.5 × 10⁻⁴, तो ये आपका हो जाना है मेरे मुन्ना लोग 7.5 × 10⁻⁴ रेट है ना, तो आपके सर लिखते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। ये है हाइड्रोजन के बनने का रेट, ये है नाइट्रोजन के बनने का रेट,
चलो अगर ऐसा पूछा हो कि अमोनिया के डिकम्पोजिशन का रेट कितना है, ओ, तो कुछ नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल। अगर अमोनिया का रेट अगर पूछा है तो, अभी तो नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा थोड़ा डेटा दिया जाए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया पूछा है तो लिखेंगे, हाँ होशियारी नहीं करनी है ज्यादा एग्जाम में। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे भाई सर, क्या लिख रहे हो, प्रोडक्शन नहीं होगा, इट विल बी डीकम्पोजिशन, बिकॉज अमोनिया तो डीकम्पोज हो रहा है ना, रेट ऑफ डीकम्पोज ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का डीकम्पोज मतलब माइनस डी एन ए थ्री बाई डी टू है ना। अमोनिया का कॉफिशियंट क्या है मुन्ना, अमोनिया का कॉफिशियंट है टू, दट इज इक्वल टू कुछ है नहीं साथ में, दट इज के इन टू एन ए थ्री रेस टू जीरो मतलब के, तो अमोनिया का जो डीकम्पोजिशन का रेट होगा ना, दट इज इक्वल टू टू इंटू के, के का वैल्यू 2.5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर, दैट इज मोलर सेकंड इनवर्स, अगर पूछा है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन का रेट क्या है, डरे भी ना बिल्कुल भी, ओके, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलो मुन्ना लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रस्थान किया जाए। तो आपका अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ गया है और क्वेश्चन कहता है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है ये, सी एच फोर एच टू एन सी ओ, ओके सी एच फोर एच टू एन सी ओ, राइट। चलिए और क्या कहा है, रेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट, है ना, इसी का तो सारा खेल है, रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस रिएजेंट इन थ्री बाई टू। The rate of reaction is followed by increase in the pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of the dimethyl ether. Rate is equal to K into pressure raised to 3 by 2. ये question थोड़ा अधूरा रह गया है। चलो पूरा question क्या है? If the pressure is measured in the bar and the time in minute, then what are the units of the rate and rate constant? ये मजा क्या? आपको find करना है। Pressure आपका bar में है। Pressure is in bar. एंड टाइम इन मिनिट, मिनिट है क्या, सेकंड है, एक सेकंड, टाइम इज इन मिनिट, तो यू वॉन्ट टू फाइंड यूनिट ऑफ द रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट आपको फाइंड करना है, ये दो यूनिट आपको फाइंड करना है, अभी हो जाएगा यार, क्या टेंशन लेने का। सबसे पहले बच्चों रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेट का मतलब हो जाएगा, बिकॉज आपको प्रेशर के फॉर्म में क्वेश्चन है ना, तो रेट का मतलब हो जाएगा बच्चों डिक्रीज इन प्रेशर, और यू कैन से चेंज इन प्रेशर बाय टेम्परेचर। रेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर के लिए लिखना पड़ेगा, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। मुन्ना प्रेशर आता है तेरा बार में और टाइम दिया है मिनट में, तो रेट का यूनिट हो जाएगा बार पर मिनट, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। चल बेटा आगे आपको पूछा गया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हो जाएगा वो भी हो जाएगा, डरने का नहीं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ओके, तो इसके लिए आपको देखो मुन्ना लोग रेट इक्वेशन दिया हुआ है, किधर है ये रहा, यूज इट, तो आपको ये दे दिया ऑलरेडी कि रेट इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर वाला यूज करना है आपको, प्रेशर के फॉर्म में चाहे ना, दैट इज के इंटू प्रेशर ऑफ सी ए थ्री ओ सी ए थ्री का 3/2 पावर, राइट। चलिए रेट का यूनिट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है ना, रेट का यूनिट क्या आ चुका है, ये रहा बार पर मिनट, तो ये रेट का यूनिट ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज बार प्रति मिनट इज इक्वल टू के का फाइंड करना है, प्रेशर होता है वापस बार में, पावर लेंगे 3/2, तो जो आपको चाहिए यूनिट ऑफ के, दिस इज गोना बी बार का, ऑलरेडी यहाँ पे एक पावर है बार का, 3/2 सामने आएगा तो माइनस पावर हो जाएगा 3/2, राइट, और साथ में आपका मिनट तो ऑलरेडी है ही नीचे, मिनट इनवर्स है ना, आई होप कि इतना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट, इतना उम्मीद तो रख सकते हैं ना, तो बार रेस टू माइनस हाफ मिनट इनवर्स, तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के। चलिए कुछ था नहीं ज्यादा, तो टाइम पास नहीं करेंगे, अगले सवाल पे चलिए। Mention the factors that affect the rate of reaction. क्या बात है? 4.5 का आंसर. Factors affecting rate. चलो
सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट्स, है ना, इसे जो रेट लॉ बनता है ना, सबसे पहला असर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, तो पूरा का पूरा रेट लॉ है आपका। दूसरा बच्चा बनता है टेम्परेचर, दूसरा बनता है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी रेट पे इफेक्ट करता है। तीसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे भूल सकते हो रेट की बात आए तो। और चौथा जो आपको बुक में नहीं दिया बट आप मेंशन करोगे, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन उतना फटाफट होगा। चलिए चार फैक्टर आपको लिखने थे, 4.6 पे आ जाइए बच्चों। रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, क्या मतलब है इसका? सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू टू। हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, बिकॉज आपका रिएक्शन और कुछ नहीं है, रिएक्शन है आपका सेकंड ऑर्डर। चल मुन्ना आप क्या कहा है आपको, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज डबल। लो चलो पहले का आंसर, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज डबल्ड, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज डबल्ड। चलो कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे तो नया रेट क्या हो जाएगा, यू कैन राइट रेट डैश के इनटू कॉन्सेंट्रेशन, आपने डबल कर दिया तो इसको आप लिख दो डबल 2R, उसका आप करोगे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बाहर, बाकी बचेगा के इनटू आर स्क्वायर। ये के इनटू आर स्क्वायर और कुछ नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर आपका जो रेट है वो 4 गुना हो जाएगा इनिशियल रेट के। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो आप आंसर लिखोगे बच्चों रेट बिकम 4 टाइम। क्या आंसर लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे रेट बिकम 4 टाइम्स, रेट इज गोइंग टू बिकम 4 टाइम्स, राइट। चलिए और क्या कहा है आपको, और क्या कहा है आपको, आपको कहा है रिड्यूस टू हाफ। चले कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, क्या होगा इफ द कॉन्सेंट्रेशन is reduced to half, okay, तो नया रेट क्या हो जाएगा? Let's write rate double dash, नाम दे दो इसको k into concentration, आपने half कर दिया तो r by 2 order है उसका 2, तो square लग जाएगा, तो 1 by 2 का square बाहर आ जाएगा 1 by 4, बाकी बचा k into r square, ये आपका initial rate है वापस, तो आपका rate जो है ना वो 1 by 4 times हो जाएगा initial rate के compare में, राइट right? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को आपने आधा किया तो आपका जो रेट है वो 1 by 4 times हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, राइट। तो रेट बिकम 1 by 4 times ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेट बिकम 1 by 4 times ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो सिंपल सवाल था, अगला सवाल देखते हैं। ओके Where is the next question? Just wait for the second, everyone. Let me get the next. Okay, तो question number 4.7 क्या कहता है? Question ऐसा कहता है, what is the effect of temperature on the rate of reaction? How can this effect of temperature on the rate be represented quantitatively? चलो तो rate of reaction का क्या असर होता है वो आपको बताना है. Okay, temperature के ऊपर, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है बच्चों, तो हम तो जानते ही है और आप भी जानते ही हो। क्या जानते हो भाई? कि नॉर्मली टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट बढ़ता है, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इज विथ टेम्परेचर। मैं इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, राइट। ओके, इसके लिए आपको डिटेल थियरी देख लेना है। नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन increase with temperature and with every 10 degree increase in Celsius, with every 10 degree Celsius increase in temperature, rate almost become double, rate almost become double, right? Reaction का rate जो है वो almost क्या हो जाता है, double हो जाता है, जैसे ही आप temperature को 10 degree बढ़ाओगे। Okay, चलो इसका quantitative representation क्या है बच्चों? Arrhenius equation है। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन मुन्ना, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन इसका और कुछ नहीं है, दैट इज आरहेनियस
इक्वेशन जो आपको पता ही है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी। चलिए, कोई टर्म के बारे में मैं आपको यहाँ पे वाकिफ नहीं कराऊंगा, बिकॉज आपने सारे टर्म थियरी पार्ट में देखे ही होंगे, डिटेल में जहां समझा होगा वहां पे। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका अगला सवाल कुछ क्या कहता है, देखिए मुझे कलर ना पहले ब्लैक ले लेना है, ब्लैक में ही मजा है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ओह कहां गया, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, और रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। चलिए इट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको क्या करना है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके लेट मी राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर दिस, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी चेक आउट द सेटिंग्स, ओके एवरीथिंग इज गुड इनफ। चलिए पहले लिखेंगे बच्चों रेट इक्वेशन, आ जाइए पहले सवाल का जवाब दे दिया जाए इनको, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यू विल राइट हियर, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब होता है रेट इज इक्वल टू के इनटू रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन, रिएजेंट आपका ए है, दूसरा रिएजेंट आपका बी है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो ए का पावर लगेगा 1, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है तो बी का पावर लगेगा 2। ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्या हो गया है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। चलिए आप क्या कहें, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई 3 टाइम्स। आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कितना इंक्रीज करना है 3 टाइम्स। ओके लेट्स सी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, चलो कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेट्स राइट द न्यू रेट, रेट डैश इज इक्वल टू के इंटू, ए को तो छेड़ा नहीं है तो ए का पावर 1, बी को कर दिया है 3 गुना तो बी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 3b, उसका सेकंड ऑर्डर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 9, ओके बाकी बचेगा आपका k इंटू ए रेस टू 1, बी स्क्वायर ये और कुछ नहीं है आपका इनिशियल रेट है तो रेट बिकम 9 टाइम्स, स्टेटमेंट आप खुद लिख दोगे ना तो नया रेट आपका कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। चलिए और क्या कहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल्ड, ठीक है बता देते हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड तब क्या होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, राइट, तो नया रेट क्या हो जाएगा, यू कैन राइट हियर रेट डबल डैश इज इक्वल टू के इनटू, अब ए को भी डबल करना है 2a लिखो, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी को भी डबल करना है 2b लिखो, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो बाहर आएगा यहां से 2 पावर 1, यहां से बाहर आएगा 2 पावर 2, बाकी बचा आपका k इंटू ए रेस टू 1 बी का स्क्वायर, चलिए ये हो गया आपका 8, ओके क्या हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा ना इंटू, ये आपका और कुछ नहीं है, ये जो ब्रैकेट में मैंने किया वो है आपका इनिशियल रेट, तो यहां पे आपका नया रेट जो है ना वो हो जाएगा इनिशियल रेट का 8 गुना अगर आपने दोनों को डबल किया तो। तो इस तरह से आपको पहले रेट इक्वेशन बना लेना है और फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में जो जो चेंज करने के लिए बोला है वो यहाँ पे रख के आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वॉटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन, तो व्हाट यू हैव टाइम एंड ए इज द कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन सी द यूनिट मोल पर लीटर है, मतलब ये टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का एक डेटा दिया है आपको, कैलक्यूलेट द एवरेज रेट of reaction between the time interval 30 to 60 second, 30 second से लेके 60 second में आपको क्या find करना है, आपको find करना है average rate of the reaction कितना होगा वो, right? तो बहुत ही ध्यान से बच्चों आप इस question को देखोगे, pseudo first order का question है, normally पूछा नहीं जाता है, but ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जा सकता है, right? चलिए तो let me simplify this. ओके आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, आधा ही क्वेश्चन यहाँ पे पीपीटी में है, दूसरा क्वेश्चन भी है इसके साथ में, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, क्या करना है आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर
रेट कांस्टेंट, ये भी आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन व्हाट टाइम इंटरवल, 30 to 60 सेकंड। चलिए बच्चों एवरेज रेट निकालना है आपको, तो वेरी सिंपल, रेट का मतलब होता है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो आपको जो कहा गया है एवरेज रेट, क्योंकि ये आपके रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन है, देखो टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब दिस आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट, राइट। रिएजेंट की ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो एवरेज रेट आप लिखोगे माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, राइट, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा टाइम है, 30 to 60 सेकंड है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है 60 सेकंड माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 30 सेकंड डिवाइड बाय 60 सेकंड माइनस 30 सेकंड। चलो कॉन्सेंट्रेशन 60 सेकंड पे कितना है, तो ये रहा 0.17, पुट इट हियर, 30 सेकंड पे कितना है 0.31, 60 माइनस 30 इज 30। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.67 into 10 power minus 3, यूनिट क्या बनेगा आपका मोल पर लीटर, टाइम आपका सेकंड में, तो पर सेकंड दिस इज द एवरेज रेट बिटवीन द गिवन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड, 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच का ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए अब इंपॉर्टेंट ये पूछा है आपको, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, आपको पूछा गया है बच्चों मेरे रेट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं डरना है आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कहा है के, और आपको कहा है फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो का मतलब है बनावटी फर्स्ट ऑर्डर, बट पहले खाली फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करते हैं। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका होता है बच्चों के इज इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ R0/R, राइट। चलिए अब क्योंकि आपके पास मल्टीपल डेटा है तो आपको मल्टीपल के निकाल के उसका एवरेज करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे के 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड डेटा पहले यूज करते हैं, तो K1 आई विल राइट 2.303, मैं 30 सेकंड का डेटा यूज कर रहा हूं यहां पे, 30 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.55 और 30 सेकंड पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है 0.31। तो पहले मैंने 30 सेकंड वाला डेटा यूज किया, इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 1.91 into 10 power minus 2, आप लॉग सॉल्व कर लोगे, राइट। फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट रहेगा खाली सेकंड इनवर्स के का यूनिट, राइट। सिमिलरली अब आप 60 सेकंड के लिए निकालो के कितना हो रहा है, वो K2 नाम दे दो इसको, 2.303/60 दैट इज लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा 0.55 और अब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 60 सेकंड पे है 0.17, एज यू कैन सी दिस इन द डेटा। तो ये आपका K का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 60 सेकंड के ऊपर 1.96 into 10 power minus 2, 1.96 into 10 power minus 2 सेकंड इनवर्स हो जाएगा आपका। सिमिलरली K3 अब 90 सेकंड लेके काम करो, That is 2.303, टाइम ले लो बच्चों आप 90 सेकंड, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.55 ही है और 90 सेकंड पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है आप देख सकते हो 0.085। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.98 into 10 power minus 2। अब क्योंकि आपके पास मल्टीपल आंसर है तो यू हैव टू गो विद द एवरेज रेट कॉन्स्टेंट, मल्टीपल आंसर है ना, तो आपको लेना पड़ेगा बच्चों एवरेज रेट कॉन्स्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप कर लो एवरेज, एवरेज आता ना लेना आपको, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई 3, तो तीनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 3 करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 1. मैंने शायद एक डेटा कम लिख दिया है, कितने डेटा आपके पास, 30 का डेटा है 1.91, 60 का डेटा है 1.96 और 90 वाले का आंसर आएगा 2.07। ये जो है ना 90 वाला, यहां मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, 90 वाले का आंसर आएगा आपका 2.07।
ओके, एज सून एज यू विल टेक द एवरेज, आपका एवरेज आ जाएगा 1.98 इनटू 10 पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। अब मेरी बात एक बच्चों ध्यान से सुनना, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका रेट कांस्टेंट है? फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपको एक्चुअल रेट कांस्टेंट पूछे ना, अभी यहां पर तो पूछा नहीं है, बट अगर आपको एक्चुअल पूछा होगा, देखो पहले तो मुझे ना इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया बताना है ना आपको। तो अगर इफ एक्चुअल रेट कांस्टेंट इज आस्क्ड, राइट, तो क्या करोगे आप? अगर आपको एक्चुअल रेट कांस्टेंट पूछा है ना बच्चों, तो ये जो स्यूडो का रेट कांस्टेंट होता है ना के, ये जो आपका स्यूडो का रेट कांस्टेंट है, इसमें दो चीजें मिला हुआ होता है, उसमें एक एक्चुअल रेट कांस्टेंट होता है और साथ में दूसरा वो होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ नहीं बदलता है, जो है वॉटर, जो क्या है आपका वॉटर है। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट, अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ख्याल होगा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक रिएजेंट ऐसा होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, जिसको हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो वो एक्चुअल रेट कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट रहने वाला कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो जो आपका एक्चुअल रेट कांस्टेंट है, उसके लिए आपको स्यूडो का जो रेट कांस्टेंट आया है उसको वाटर से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर? द वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.55 मोलर, ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये जो आपका स्यूडो का रेट कांस्टेंट आया है ना, उसको जब आप 55.55 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको एक्चुअल रेट कांस्टेंट मिलेगा, अगर पूछा है तो। यहाँ पे तो आपको पूछा नहीं है, बट पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्यूडो का रेट कांस्टेंट है उसको जब आप 55.55 से डिवाइड करोगे तो आपको एक्चुअल रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। क्या मिलता है आपको? एक्चुअल रेट कांस्टेंट का आपको मिल जाता है वैल्यू, राइट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल रेट कांस्टेंट। ओके, वेयर इज माय कर्सर? ओके, इतना छोटा सा पिड्डू जितना कर्सर है ना, पता भी नहीं चलता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 4.10। चलिए अभी तो वापस ब्लैक करना पड़ेगा इसको, एक सेकंड। ओके, कर्सर को ढूंढने के लिए ना कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए फटाफट, लेट्स मेक इट ब्लैक अगेन। चलिए बच्चों क्या कहता है अगला सवाल देखिए। इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट, इसमें से ऐसा है ना बच्चों, चार मार्क में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट गारंटी फॉर एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन कि भाई यही क्वेश्चन आएगा चार मार्क में, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फोर मार्क्स, बिकॉज सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन ए एंड बी इज गिवन, ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन। वॉट यू वॉन्ट, एक टेबल दिया है जहां पे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग सेट्स है और आपको रेट दिया हुआ है साथ में। वॉट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ओके, व्हेन यू डील विद दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन, यू कैन सी एंड द रेट्स आर गिवन, तो आपको एज्यूम करना है। एज्यूम कर लो, एज्यूम रेट इज इक्वल टू के इंटू, कौन कौन से रिएजेंट है, एक ए है और एक बी है। आपको ऑर्डर नहीं पता है तो आप गैस कर लो कि ए का ऑर्डर एक्स है, बी का ऑर्डर वाई है, राइट। चलिए अब वन बाय वन सेट बाय सेट वैल्यू रखते जाइए। पहले ही आपको गैस करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको ऑर्डर निकालने हो तो आप सबसे पहले इसको गैस कर लोगे, राइट, कि मान लो कि रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक जो भी रिएजेंट है ए बी पी क्यू व्हाटएवर, उसके आप पावर गैस कर लो, राइट। वो पावर हम फाइंड करेंगे वेयर एक्स एंड वाई आर ऑर्डर टू बी फाउंड, एक्स एंड वाई आर ऑर्डर्स टू बी फाउंड। चल मुन्ना, सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा, लेट मी कॉल इस फर्स्ट सेट ऑफ डेटा, दिस इज सेकंड सेट ऑफ डेटा, दिस इज थर्ड सेट ऑफ डेटा। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट सेट ऑफ डाटा, ओके। चलो तो फर्स्ट सेट में रेट कितना है भाई? रेट है आपका 5.07 इंटू 10 पावर माइनस 5, मैंने रेट की जगह लिख दिया यहां पे, दैट इज इक्वल टू के, तो पता ही नहीं है। वहां पे ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले सेट में है 0.20, यू कैन सी रेस टू एक्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.30, उसका रेस टू हो जाएगा वाई पावर, गिव इट नेम एज 1। चलिए फ्रॉम द सेकंड सेट में, इसका आपको लास्ट में शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे करना है इसको, ओके, फ्रॉम द सेकंड सेट ऑफ द डेटा। चलो सेकंड सेट में आपका रेट उतना ही है वापस, 5.07 इंटू 10 पावर माइनस 5, दैट इज इक्वल टू के इंटू, सेकंड सेट में ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है,
और बी का कॉन्सेंट्रेशन बदला है 0.10 हुआ है, गिव इट नेम एस टू। तीसरे सेट में जाओ, चलो फ्रॉम द सेट थ्री, फ्रॉम थर्ड सेट ऑफ द डेटा यू कैन राइट। थर्ड सेट में आपका रेट एफ 1.43 इंटू 10^-4 इज इक्वल टू के इंटू, उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है 0.40^x और बी कॉन्सेंट्रेशन हुआ है 0.05, उसका रेस्टू लगा दोगे वाई। चलिए हो गया आपका, तीन इक्वेशन बना दिया हमने तीन सेट से। ओके, जैसे ही आप इक्वेशन बना देते हो उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास तीन वेरिएबल है बच्चों, एक्स भी अननोन है, के भी अननोन है और वाई भी अननोन है। तो आप ऐसा डेटा ढूंढो जहां पे आपके दो कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू के अंदर, राइट, तो मुझे जो दिख रहा है वहां पे एक्स का डेटा सेम है। यू शुड ऑल्सो बी एबल टू सी दिस, द डेटा ऑफ एक्स इज सेम, राइट। आपका एक्स का डेटा कैसा है बच्चों, सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि एक्स वाला टर्म उड़ जाएगा और आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन का लेफ्ट हैंड है 5.07 × 10^-5, इक्वेशन नंबर टू का भी लेफ्ट हैंड सेम ही है। चलो इक्वेशन नंबर वन का राइट हैंड है के इंटू 0.20^x एंड 0.30^y, और इक्वेशन नंबर टू का राइट हैंड है के इंटू 0.20^x एंड 0.10^y। चलो के विल बी कैंसल्ड, 0.20^x भी हो जाएगा कैंसल। चलो ये भी तो हो गया कैंसल, तो बचा यहाँ पे 1। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0.3/10, मतलब ये हो जाएगा 3^y। मुन्ना इधर 1 है, 1 का मतलब क्या होता है बेटा मेरे, 1 का मतलब होता है किसी भी नंबर का 0 पावर। तो 3 का 0 पावर मतलब 3 का y पावर, 1 की जगह मैंने लिख दिया 3^0। तो 3^0 इज 3^y, कंपेयर कर ले बेटा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा तेरा, आ गया तेरा y इक्वल टू 1, बस यही तो चाहिए था हमें। ओके चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, एक आंसर आ चुका है, अभी कोई ऐसा डेटा ढूंढो जहां पे आपका y का वैल्यू सेम, बट y का वैल्यू कहीं भी सेम नहीं है, बट फर्क नहीं पड़ता है y के वैल्यू b के कॉन्सेंट्रेशन से, बिकॉज b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ही नहीं है। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपका क्या है भाई, इतना बड़ा गलती, y का वैल्यू कितना होगा 0, कंपेयर करोगे ना तो 0 इक्वल टू y। अभी देखो बच्चों आपका ये y का वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो आप इक्वेशन को वैसे भी रिड्यूस कर सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को रीराइट करूंगा पहले, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, और फिर उसका रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा एंड टेक रेशियो। चलो इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों आपका 5.07 × 10^-5 इज इक्वल टू के इंटू 0.20^x एंड 0.10^y, और y का वैल्यू 0 है, जो मैं यहां पे रख दूंगा। बड़ा सा अंडा बनाया देखो। इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट हैंड इज 1.43 × 10^-4 के इंटू, ध्यान देना यहां पे, 0.40^x एंड 0.05^y, y का वैल्यू 0 है, तो किसी भी नंबर का 0 पावर ये तो बचेगा ही नहीं, 1 हो जाएगा, k विल बी कैंसल्ड। ओके, अब यहां पे ये क्या होगा, 5.07 / 1.43, चलो बताऊं आपको एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका, दिस वैल्यू इज गोना बी 5.07 / 1.43। एक मिनट मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा कैलकुलेटर ताकि मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करके आपको बता सकूं। तो दिस इज गोना बी, नीचे डिवाइड करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट वेट अ सेकंड, चलो थोड़ा कैलसी वैलसी यूज करते हैं, राइट, सो दैट यू शुड हैव अ बेटर आइडिया, बिकॉज अब यहाँ पे ना आपका पावर जो है वो 1 या 2 नहीं रहेगा, आपका फ्रैक्शन में यहाँ पे पावर आने वाला है। तो जब भी आपका पावर फ्रैक्शन में आ रहा है तब कैसे करना है ना आपको सीखना जरूरी है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा 1.43 / 14.3, नीचे 10^-4 है, ओके, डिवाइड बाई 5.07, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, 1/2.82। ओके, और यहां पे आप कट करोगे तो 0.20/0.40, मतलब यहां पे हो जाएगा 1/2^x। अब नाउ व्हाट अबाउट दिस 2.82, अब ये आप x कैसे फाइंड करोगे इसमें से, हाउ विल यू फाइंड द x, एनी आइडिया हाउ विल यू फाइंड द x? तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों कि ये जो 2.82 है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट ऑफ 8।
अब ये मेरे को कहां से पता है, बिकॉज मुझे इतना बेसिक नॉलेज है कि 2.82 जो है ना बच्चों, दिस इज, देखो मैं क्या करूंगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 8, मतलब 8 का हाफ पावर है ये, और यहां पे है 2, 1/2 x, ओके, या 2.82 जो है वो 8 का अंडर रूट है, राइट, मतलब 8 का हाफ पावर। अभी 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, उसका हाफ पावर इज इक्वल टू 2 x। एक स्टेप और, बस खेल खत्म, 1/2 पावर दोनों को साथ में कर दो, 3/2 इज 1/2 x। चलो बहुत ही प्यार से कंपेयर कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, मतलब ये रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो a के रिस्पेक्ट में, x का वैल्यू कितना आया 3/2, तो a के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर है 1.5, दैट इज 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, राइट, दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट था जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में आया तो आपको डायरेक्ट याद ही हो जाएगा, एग्जाम तक तो कितनी बार आप सॉल्व करोगे इसको, है ना, तो वहां तक तो वैसे भी आपके इंटरनल स्टोरेज में ये चला जाएगा, तो फिर ये जाने वाला नहीं है कहीं पे भी, राइट। तो एक्स एंड वाई क्या है बच्चों, एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर टू बी फाउंड, राइट, तो हमने फाइंड कर लिया है ए के रिस्पेक्ट में, आपको फाइनल आंसर लिख देना है बच्चों। देखो मैं यहाँ पे एक फाइनल आंसर लिख देता हूँ, राइट, तो आई कैन राइट द फाइनल आंसर एज ऑर्डर, ये आंसर है, पूरा खेल खत्म करने के बाद जगह नहीं है मेरे पास इस स्लाइड के ऊपर, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स, दैट इज 1.5, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0, 0, अब बिग 0। चलो यहाँ पे आपके पास में एक डायरेक्ट शॉर्टकट डेटा भी था बच्चों, वो शॉर्टकट डेटा कुछ ऐसा था कि आपको y का पावर है, y की वैल्यू ऐसे ही मिल जाते, बिकॉज पहले दो डेटा को एनालिसिस करो, पहले दो डेटा में आपका a तो बदला नहीं है, b बदला है, देखो 0.3 में से 0.10 हुआ है, और रेट तो बदला ही नहीं है, मतलब b के बदलने से रेट नहीं बदल रहा है, खाली b के बदलने से रेट नहीं बदल रहा है, मतलब रेट जो है वो b पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब b के रिस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर होता आया भी, भाई देखो b के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर ही आया ना, तो आप थोड़ी आंखें खुली रखना, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे क्या हुआ, पहले दो डेटा के अंदर अगर खाली बी को चेंज किया, तो खाली बी को चेंज करने से रेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है भाई, जीरो ऑर्डर है, आपको डायरेक्टली ऐसे पता चल सकता है। चलो बच्चों आगे बढ़ाता हूं मैं अपनी गाड़ी को, वेयर इज माई कर्सर, वेट अ सेकंड, it was just at the center and I was not able to find it. कोई नहीं, चलो कलर ऐसा है ना इसलिए पता नहीं चल रहा, ठीक है पहले कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन आया, चलो जबरदस्त क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, मजा आया ऐसा क्वेश्चन। चलो सवाल वापस ऐसा ही है, the following result have been obtained during the kinetic studies of this particular reaction is given, 2a plus b will give you c plus d. Okay, यहाँ पे तो चार चार डेटा है, आपको फाइंड करना है रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट, रेट लॉ निकालना है और रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, हो जाएगा। चलिए बच्चों सबसे पहले बच्चों मेरे आप एज्यूम करोगे कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है, रेट लॉ का मतलब होता है रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट आपके ए एंड बी है, तो ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, राइट। चलिए यहां पे मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको आधे रास्ते में छोड़ दूंगा इक्वेशन बना के। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन का डेटा देखिए, तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन में रेट क्या है आपका, रेट का वैल्यू है 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू, ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 x, B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 y। पहला इक्वेशन बना, गिव इट नेम एज इक्वेशन वन। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर टू का रेट चेक करिए, रेट कितना है 7.2 × 10⁻², इज इक्वल टू k इंटू, ए कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 x, बी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 y, गिव इट नेम एज टू। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री के डेटा में जाइए भाई, रेट है आपका 2.88 × 10⁻¹ इज इक्वल टू के इंटू 0.3 x, मैं खाली वैल्यू डाल रहा हूं, बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.4, उसका लगा देंगे वाई पावर, एक्स वाई अपने को फाइंड करना है, के भी फाइंड करना है,
हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का डेटा रेट है आपका 2.40 × 10⁻²⁰ इज इक्वल टू के इंटू एक कॉन्सेंट्रेशन है 0.4:1, एक कॉन्सेंट्रेशन है 0.1:y, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों अब ऐसे कुछ डेटा के ऊपर आप ध्यान दोगे जिन डेटा में आपका ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहे। तो मेरे ध्यान जा रहा है इक्वेशन नंबर 2 और 3 के ऊपर, बिकॉज इन दोनों के अंदर आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो पहले मैं करूंगा रेशियो ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 और 3। चलिए लेट्स टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो हम लिखेंगे यहां पे टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 2 और 3। चलिए जैसे ही बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 का रेशियो लेने वाले हो, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2 और 3 का रेशियो लेने से, चलिए तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज 7.2 × 10⁻², डिवाइड बाई 2.88 × 10⁻¹ इज इक्वल टू के इंटू 0.3:x, 0.2:y, डिवाइड बाई के इंटू 0.3:x, 0.4:y, चलो के विल कैंसल, 0.3:x विल कैंसल। चलिए यहां पे आप लेफ्ट हैंड को जब कट करोगे ना, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/4, कट कर लेना आपका 1/4 आएगा डेफिनेटली, राइट? बिकॉज मैं किसके अंदर, देखो मुझे सीधा दिख रहा है 7 × 4 = 28 होगा नीचे, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा 1/4। आप सिंप्लीफाई करना अच्छे से आपका आ जाएगा। और राइट हैंड साइड के ऊपर आपका क्या बचेगा? राइट हैंड साइड के ऊपर आपका बचेगा बच्चों 1/2, उसका बचेगा वाई पावर। चलिए 1/4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का वाई पावर। कंपेयर कर लो बच्चों, आपको एक चीज मिल गया वाई इक्वल टू 2, मतलब वाई क्या था? वाई किसका पावर था आपका? वाई था आपका बी का पावर, मतलब बी के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर है 2। दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज इक्वल टू 2। चलिए बच्चों अब ऐसे दो इक्वेशन को आप ढूंढोगे जिन दो इक्वेशन में आपका वाई का वैल्यू सेम रहे, चेक करो, जिसमें आपका वाई का वैल्यू सेम रहे, चेक इट आउट। वाई का वैल्यू सेम कहां पर? आई कैन सी इक्वेशन नंबर 1, एक मिनट ना, ये कलर मजा नहीं आ रहा, अभी तो यूज किया। चलो एज यू कैन सी हियर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों में आपका वाई का वैल्यू सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 4 को डिवाइड करूंगा, क्या होगा देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर, यू कैन से टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। चलो 1 एंड 4 का बच्चों रेशियो करो, फटाफट क्या होगा देखो आपका रेशियो। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपका है ये 6 × 10⁻³, इक्वेशन 4 में है ये 2.4 × 10⁻²। चलो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड है 0.1:x, 0.1:y, इसका है k इंटू 0.4:x, 0.1:y। चलो ये टर्म आपका कट हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे देखो 6 × 4 = 24 होगा। आप सिंप्लीफाई करना, ये 1/4 आएगा, 0.1/0.4 इज 1/4:x। ओके बहुत सिंपल हो गया, 1/4:1 इज इक्वल टू 1/4:x। पावर कंपेयर कर लो बच्चों, x का वैल्यू होगा 1, है ना? जैसे आप पावर को कंपेयर करोगे, यहाँ पे 4 का पावर 1 है, यहाँ पे 4 का पावर x है, तो x इक्वल टू 1। और ये x क्या है बच्चों? x वाज द पावर ऑफ a, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। तो आपका बच्चों एक आंसर रेडी हो चुका है, दैट आंसर इज रेट लॉन्ग, राइट? चलिए आप x और y का वैल्यू खाली डाल दीजिए, तो आपका एक आंसर आ चुका है रेट लॉ। रेट लॉ इज, रेट इज इक्वल टू k इंटू a^2x, x का वैल्यू 1 आया है, b^y, y का वैल्यू 2 आया है। चलिए एक आंसर आपका आ गया, और क्या पूछा है आपको? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो किसी भी एक इक्वेशन में जाके आप x y का वैल्यू डाल दो, आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 0.1:x, 0.1:y, 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू ये 0.1:1, 0.1:2, ये हो जाएगा आपका 0.1³, और इस 10⁻³ कट हो जाएगा, के का आंसर आएगा 6। यूनिट लिखना भूलना मत। ओवरऑल ऑर्डर कितना है आपका? ओवरऑल ऑर्डर है इसका 1+2, दैट इज 3।
तो के का यूनिट लिखना भूलना मत, के का यूनिट होगा आपका मोल पर लीटर रेस टू वन माइनस एन, एन आपका थ्री है तो यहाँ पे होगा वन माइनस एन, दैट इज वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू, और साथ में रहेगा सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ के। ये हो गया आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द काइंड ऑफ द एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्या कहा है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो जो मुझे दिख रहा है ना, जो रिएक्शन है ना इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर, सेकंड थोड़ी है, जीरो ऑर्डर है ना, इट इज ऑफ जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू वन एन बी रेस टू जीरो। मैंने ऑर्डर लगा दिया, ऊपर जो दिया है वही लगाया है मैंने, ठीक है ना। ए का पावर वन लगाया है बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी का पावर जीरो लगाया है बिकॉज बी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। वेरी सिंपल। अब करना क्या, आपको टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहले टेबल पे ध्यान देते हैं, मैं इसके अंदर ही पूरा डेटा लिख दूंगा। ओके, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है, रेट आपका है 2 × 10⁻²। बढ़िया। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से देखना, रेट के अंदर बी का पावर तो जीरो है, मतलब बी के कॉन्सेंट्रेशन से रेट को कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ये बी के कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब आपको डायरेक्ट ये लग रहा है कि रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए कॉन्सेंट्रेशन का वन पावर, मतलब जो रेट आपका है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। तो यहाँ पे पहले देखो बच्चों, आपका रेट डबल हुआ, रेट डबल हुआ कि नहीं, 2 में से 4 हुआ, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होना चाहिए, मतलब दिस आंसर इज 0.2, दिस मस्ट बी डबल बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये आंसर होगा आपका 0.2। चलो दूसरा देखते हैं, अलग कलर से देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये वैल्यू निकालते हैं कितना होगा वो। तो यहां पे देखो आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 में से 0.4 हो गया, मतलब ये हो गया 4 times, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। चलो 2 का 4 times हो जाएगा 8 × 10⁻²। आहा, बहुत सिंपल। चलो लास्ट देखो बच्चों, थर्ड बना, अगेन थर्ड देखते हैं क्या हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन तो रेट तो बदला ही नहीं है, इफ देर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, नो चेंज इन द रेट, देर हैज टू बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। तो यहां पे आपके कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम 0.1। अभी आपको एग्जाम में आया ना, तो इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, जो मैंने केसेस ऊपर लिखे ना एरो मार के, वो आपको एग्जाम में स्टेप पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ना। एवरीथिंग वेरी क्लियर, समझ में आ गया होना चाहिए आप सबको, है ना। चलो बच्चों अगला सवाल आया, वो भारी क्वेश्चन, वाह वाह। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। चलो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका के होता है बच्चों 0.693/2½, राइट। चलिए पहले केस में चलते हैं बच्चों, आपका टी हाफ दिया हुआ है 200 सेकंड इनवर्स, तो आपका के का वैल्यू आएगा 0.693/200। यूनिट देना भूलना मत, आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है ना। चलिए आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, तो टी हाफ इज गोना बी 0.693/k, दिस आर द वैल्यू ऑफ के गिवन and you are wanting to find t half, तो करना वही है, divide ही करना है। okay, यहाँ पे आपका answer, क्योंकि k आपका second में था, तो आपका answer भी second में आएगा, कर लेना 0.693/200 कितना होता है। same as in second one में आपका t half आएगा बच्चों 0.693/2, और आपका answer यहाँ पे minute में आएगा, because आपका k minute inverse में है, second में। तीसरे में जाइए, आगे तीसरे में, तो आपका t half रहेगा 0.693/2, 2 नहीं है 4 है, by 4 आपका आंसर रहेगा
ईयर में आपका आंसर रहेगा, बिकॉज आपका के जो है वो ईयर इनवर्स में, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है बच्चों आपको, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। यूनिट में खाली ध्यान रखिएगा कि यूनिट क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू डालना है। चलो मुन्ना लगा अगला सवाल। अब आया आपका समस्त क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन से जीरो हो गए। चलिए बच्चों जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां गया 14 ये रहा। चलिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है नंबर 14, आपका सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्या कहता है लल्लन टॉप क्वेश्चन। लल्लन टॉप कहता है कि द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डीके। अब ये यहाँ पे आपका हिंट रेडियो एक्टिव डीके लिख के नहीं दिया होगा, पर आपको पता होना चाहिए सारे रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, राइट। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, ऑल द रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। That's the first thing, right? सारे radioactive decay के reaction का order होता है first. आपको दिया है उसके लिए half life 5730 year. What you have is half life, that is 5730 years. चलिए half life के ऊपर से पहले आप k निकाल लीजिए बच्चों, आपका k हो जाएगा 0.693 by t half. Solve नहीं करोगे तो भी चलेगा, 0.693 divide by 5730 year inverse, that's your value of k, rate constant, right? चलिए और क्या कहा है आपको देखते हैं। An archaeological artifact containing wood had only 80% of the 14C found in living tree. तो आपको जो wood का specimen है ना, that wood contain 80% of the radioactive carbon, right? तो आपको ये पूछा है वो वुड का लाइफ कितना होगा, मतलब कितना टाइम जा चुका होगा वो वुड सैंपल को बने हुए या वुड को बने हुए, राइट। तो मैं तो सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करूंगा बच्चों, आप भी तो वही यूज करोगे। आप लिखोगे कि बाय फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, और मेरे मुन्ना लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन और कुछ नहीं होता है, दैट इज टी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ आर जीरो बाय आर। नाउ व्हेनेवर योर क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, गैस कर लो इनिशियल वैल्यू 100 है, परसेंटेज पे जब क्वेश्चन होगा इनिशियल आप 100 गैस कर लो। इट इज 2.303 बाय के, चलो के का वैल्यू ये रहा मैंने ऊपर फाइंड किया ऑलरेडी, 0.693 डिवाइड बाय 5730, राइट। सॉल्व करते वक्त 5730 ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ आर जीरो, आर जीरो इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो आप 100 ले लोगे बिकॉज क्वेश्चन परसेंटेज में है, और बचा हुआ आपका खाली कितना है 80% बचा हुआ। कई बार ऐसा होता है 80% डिकम्पोज हो चुका है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे 80% डिकम्पोज नहीं हुआ, ऐसा कहा है कि 80% वो कंटेन कर रहा है अभी, मतलब बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन 80% है, मतलब 80 आपका बचा हुआ वैल्यू है। अगर ऐसा कहा होता कि 80% डीके हो चुका है तो बचता कितना 20%, तो आप मैं 20 लिखता यहाँ पे बस। अब तो आप खाली अपना कैलकुलेटर यूज कर लो बच्चों, और अब लॉग जैसे ही निकालोगे तो ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका लॉग निकालने पे आंसर आ जाएगा 1845 इयर्स। तो जो सैंपल होगा ना वो इतने साल पुराना है, दैट इज द लाइफ ऑफ सैंपल 1845 इयर्स, दिस इज द लाइफ ऑफ अ सैंपल दैट इज 1845 इयर्स। अगला सवाल, चलो प्लॉट करना है ग्राफ को। ओके ये क्वेश्चन तो आप ना सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये जनरली आपको पूछा नहीं जाने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने के चांसेस लगभग नील के बराबर है, तो भी आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल जो हम सॉल्व करेंगे। आपको ये कहा है द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गिवन, ओके इन अ गैस स्पेस यू हैव गिवन द टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना आता है ना, ग्राफ प्लॉट करना। चलिए मुन्ना लोग पहला जवाब, फर्स्ट आंसर दे देगा आपके सर, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है N2O5 का, और यहाँ पे आपका टाइम है। चलो टाइम कौन कौन सा है, जीरो लेना है, फिर टाइम लेना है 400, 800, 1200, ग्राफ पेपर वाला पेपर नहीं यूज करना है आपको, ऐसे रैंडमली करना है 1600, 2400 एंड देन सो ऑन। चलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपके देखो 1.63 आपका कॉन्सेंट्रेशन है, 1.36 है, तो यू विल टेक द वैल्यूज लाइक दिस 1.7,
1.5 अपने ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली बनाना है इसको, मतलब नोटबुक में प्रॉपर ग्राफ बनाना 1.3, फिर आप यहाँ से इसको तोड़ दोगे या पूरा वैल्यू लिखोगे चलेगा। तो पहला वैल्यू आपका 400 सेकंड पे कुछ 1.63 है, 800 पे 1.36 है, तो 800 पे आपका कुछ 1.36 के आजू बाजू है, मतलब यहाँ पे आएगा डेटा। 1200 पे 0.93 है, मतलब और ग्राफ नीचे आएगा, तो आपका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। आपको ग्राफ के लिए कम से कम 4 या 5 पॉइंट लेने, और 4-5 पॉइंट आप जैसे ही प्लॉट करोगे ना प्रॉपर ग्राफ के ऊपर, तो यू विल सी लाइक दिस, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। स्टार्टिंग में फटाफट नीचे आएगा ग्राफ, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट होता जाएगा, राइट? बिकॉज देखो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही फटाफट चेंज हो रहा है, दिख रहा है, और फिर लास्ट में तो कॉन्सेंट्रेशन एकदम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ग्राफ का पैटर्न बनाना है तो डायरेक्टली आप पैटर्न बना सकते हो, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। स्टार्टिंग में क्विकली चेंज हो रहा है, मतलब ग्राफ फटाफट नीचे उतरेगा और फिर थोड़ा धीरे हो जाएगा नीचे उतरना उसका, तो ऐसा आपका ग्राफ का पैटर्न बनेगा। चलिए दूसरा कहा है, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। मुन्ना लोग हाफ लाइफ कैसे निकलेगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ अगर निकालना है तो आप ग्राफ को ही यूज करने वाले हो, राइट? तो आपका स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है 1.63 × 10^2, 10^2 देखो यहाँ पे दिया हुआ है छुपा के, तो यहाँ पे ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सारे इंटू 10^2 के फॉर्म में है। अभी आपको अगर इस ग्राफ से निकालना है बच्चा लोग हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का मतलब है कि टाइम फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम हाफ, टाइम फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम हाफ। चल बच्चा हाफ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन था आपका 1.63 × 10^2, उसको आपको करना है हाफ, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कुछ 0.815 बनेगा। ओके, तो आपको वापस जाना है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ में आप कॉन्सेंट्रेशन 0.815, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पे आप वैल्यू ढूंढो 0.815 कहाँ पे आ रहा है, राइट? और उस 0.815 के रिलेटेड जो आपका टाइम निकलेगा ना ग्राफ से, वो टाइम होगा आपका टी हाफ, तो आपको ग्राफ से ही आंसर देना है, राइट? तो ग्राफ में 0.815 के रिलेटेड जो आपका वैल्यू निकलेगा दैट वैल्यू इज टी हाफ, और आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना ग्राफ पे वो 1400 सेकंड के आजू बाजू आएगा। आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करोगे उसके बाद की ये बातें हैं, राइट? अगर सपोज मैं चाहता तो ये ग्राफ को भी प्लॉट करा सकता था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके, बट इतना डिटेल में मेरे को नहीं जाना है, मतलब नहीं है, राइट? तो ये आपका आएगा एट अप्रोक्सीमेटली, इसके रिलेटेड जो पॉइंट होगा द टाइम रिलेटेड टू दिस कॉन्सेंट्रेशन, टाइम रिलेटेड टू दिस इज अप्रोक्सीमेटली 400 सेकंड, इज अप्रोक्सीमेटली 400 सेकंड। चलिए बच्चों तीसरा क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log N2O5 वर्सेस T। चलिए log N2O5, अभी आपको वापस और मेहनत करनी पड़ेगी। You want to plot the graph of log of N2O5 versus time. Right. तो थोड़ा और मेहनत आपको लगेगा यहाँ पे, तो पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा वापस, और उस टेबल में आपको log of N2O5, मतलब जितने भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सारे कॉन्सेंट्रेशन को आपको लॉग लेना पड़ेगा और ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले तो टाइम, पहले टेबल बनाना पड़ेगा लाइक दिस, विल मेक अ टेबल फर्स्ट। लॉग निकालना आता है ना, कैलसी है ना आपके पास, तो 1.63 × 10^2 का लॉग यहाँ पे करो, 1.36 × 10^2 का लॉग, उसका आप पहले ना क्या बना लोगे, एक टेबल बना लोगे, और जैसे ही आपका टेबल बन जाए ना, बन जाए टेबल, एग्जाम में इतना टाइम अगर हो आपके पास, अगर 1 घंटे 2 घंटे का पेपर हो आपका और उसमें आधा पौना घंटा एक ही क्वेश्चन के लिए देना हो तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा। बाकी तो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो आप सीख सकते हो इसको, कि आपको log N2O5 का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया तो आपको पता होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो log का ग्राफ आपका आता है स्ट्रेट लाइन। आप सीधा भी कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम में अगर आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है और 5 ही मिनट बचे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो छोड़ना नहीं है, पैटर्न आपको याद होना चाहिए। पैटर्न अगर आपको पता है कि ये log का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपका ये ग्राफ जो है ना वो डायरेक्टली बन जाएगा, इस तरह से आपको डायरेक्टली ग्राफ का वैल्यू मिल जाएगा, राइट? ओके, तो ये हो गया बच्चा आपका log का ग्राफ, और ये सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो 10^-2 है, दिस इज नॉट 10^+2, सॉल्यूशन में 10^-2 है, व्हाटएवर। ओके, आपको बन गया बच्चों ये वैल्यू, ग्राफ बन गया आपका। चलो फिर आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेट लॉ। ओके, तो क्योंकि आपका log वर्सेस टाइम का ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन, देखिए बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा रेट लॉ, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एज log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है, और ये लॉग वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन खाली और खाली आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, याद करो बच्चों, जीरो ऑर्डर अगर होगा ना, मैं यहाँ पे एक टेबल लिखता हूं बच्चों, आर बाई टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आया आपका सीधा सीधा, अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो ऑर्डर होगा जीरो ऑर्डर। अगर लॉग आर वर्सेस टाइम का ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन तो ये रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर। अगर वन बाय आर वर्सेस टी का ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन तो ये रिएक्शन होता है सेकंड ऑर्डर। इतना डिटेल में आपको मेरे पास सीखने मिलेगा। वन बाय आर स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बना तो ये रिएक्शन होगा थर्ड ऑर्डर। देखो यहां पर डायरेक्ट आर बाई टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, वो कर्व था, मतलब जीरो ऑर्डर नहीं है, बट जैसे ही आपने लॉग आर वर्सेस टी प्लॉट कराया स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका रेट लिखते हैं आप, रेट इज इक्वल टू के इंटू रीएजेंट है आपका N2O5 और उसका पावर बनेगा 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो उसका 1 पावर हो जाएगा। चलो ये हो गया आपका रेट लॉ। चलिए इसके बाद भी आपको एक और चीज पूछा गया, छोड़ेंगे कहां, आपको एक और चीज पूछा है रेट लॉ के बाद, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अभी इसके लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा ग्राफ का, क्योंकि क्योंकि ये बॉलीवुड वालों ने ऐसा करके रखा है ना दिमाग में कि जैसे ये बोलते हैं ना क्योंकि, साथ में अपने आप आता है क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैं, दिमाग घुमा के रखा है इन लोगों ने ऐसे ऐसे गाने बना के। चलो ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है तो ये आपका लॉग आर वर्सेस टी का जो ग्राफ बनता है ना, इस ग्राफ का स्लोप होता है माइनस के बाई 2.303। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, माइनस के बाई 2.303 होता है। तो ये ग्राफ का जो आपका स्लोप होगा ना, दिस स्लोप इज माइनस के बाई 2.303। स्लोप कहां से लाओगे, तो स्लोप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने ग्राफ प्लॉट कराया तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स होंगे होंगे ना, राइट। ग्राफ आपने ही प्लॉट कराया तो आपके पास ये पॉइंट होगा, आपके पास टेबल भी होगा इसके रिलेटेड, राइट। तो यहां से आप दो टाइम का डिफरेंस ले लो और इसके रिलेटेड यहां से आप डिफरेंस ले लो, ये वाई एक्सिस के ऊपर आई विल राइट डेल्टा वाई, ये दो वैल्यू का डिफरेंस और ये दो वैल्यू का डिफरेंस, जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यूज, ओके। और ये जो होगा वो आपका क्या होने वाला है बच्चों, स्लोप होने वाला है, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, राइट। तो स्लोप का मतलब हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द वाई, मतलब इन दो वैल्यू का डिफरेंस। लेट मी कॉल दिस इज माई पॉइंट वन, समझ लेना ध्यान से, एंड दिस इज माई पॉइंट टू। तो ये है टाइम टू, ये है टाइम वन, ये आपका है y का सेकंड वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू y2, और ये ऊपर वाला वैल्यू है ना, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं पहले, ये राइट जो हो गया ना उसको, इसको भी निकालो बग राइट। तो ये जो वैल्यू है वो आपका y1 है, ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे होंगे टेबल में, y1 t1 y2 t2, जैसे द वैल्यू ऑफ द लॉग वर्सेस टाइम, तो आपने टेबल देख के ही बनाया है ग्राफ को, राइट। तो स्लोप का मतलब हो जाएगा इन दो y के वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा x पे आपका टाइम है, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, राइट ओके। चलो तो डेल्टा y का मतलब हो जाना है बच्चों आपका y2 माइनस y1, तो आपके पास ये वैल्यूज ऑलरेडी होंगे ग्राफ पे, डिवाइड बाई t2 माइनस t1, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303। तो ये वैल्यूज डाल के जैसे ही आप 2.303 मल्टीप्लाई करोगे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, और k का वैल्यू आएगा आपका 4.82 × 10⁻⁴। कितना आएगा ये 4.82 × 10⁻⁴ आएगा आपका वैल्यू ऑफ k सेकंड इनवर्स यूनिट में, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, बराबर छे, खबर पड़े छे बधाने, समझ आ रहा है सबको कैसे किया ये जादू, ओके। अभी खत्म नहीं हुआ है जादू बच्चों, एक और चीज पूछा है हाफ लाइफ क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, हाफ लाइफ होता है आपका 0.693 बाई के, के हमने जस्ट निकाला है, के हमने जस्ट निकाला है, और क्यों अजामत करेगा, तो ऑलरेडी आपने फाइंड किया ही है ना, तो अब जब के का वैल्यू डाल के भी फाइंड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1.438 सेकंड। और देखो आपने हाफ लाइफ पहले भी गैस किया था इस ग्राफ के ऊपर से, देखो ये वाला
वहां पे आपका 1400 के आजू बाजू आंसर आया था, दैट इज अप्रोक्सीमेट आंसर, और जो आपका एग्जैक्ट आंसर है ना वो 1438 आएगा, जो आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन से मिलेगा। तो पहले आपने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया फर्स्ट स्टेप में, वहां से आपने हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली निकाला कॉन्सेंट्रेशन आधे के रिलेटेड जो टी हाफ होगा वो, फिर आपने सारे इस वैल्यू का लॉग लिया, उसका ग्राफ प्लॉट कराया टाइम के साथ, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया। स्ट्रेट लाइन मिला लॉग वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब आपका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन आपने लिख दिया, राइट, दैट इज रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1। ओके चलिए, फिर रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो रेट कांस्टेंट मतलब इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब है ये दो लॉग वाले वैल्यू का डिफरेंस और उसके रिलेटेड दो टाइम का डिफरेंस, दैट इज द स्लोप विच इज माइनस के बाई 2.303। इससे आपको मिल जाएगा स्लोप का वैल्यू, स्लोप मिल गया मतलब के मिल गया, के मिल गया मतलब आप टी आप यहां से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द टी हाफ। ओके चलिए बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। फाइन, तो चलिए, तो यहां पे आपका बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सबसे पहला पार्ट जो है वो पूरा होता है, जहां पे हमने 15 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, अगले पार्ट में हम 16 से और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके फाइन, चलिए केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 16th नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एंड द क्वेश्चन नंबर 16 साउंड लाइक द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले आपको यहां पे ध्यान देना है बच्चों, कहां पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है वहां पे, तो फर्स्ट यू विल बी फोकस्ड ऑन दिस वन विच इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एंड द रेट कॉन्स्टेंट इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच, क्या पूछा है आपको, देखिए बच्चों चलिए, हाउ मच टाइम विल will it take to reduce the initial concentration to initial concentration of the reactant to its 1/16th? कितने time में concentration 1/16th हो जाएगा, ये आपको find करना है, right? मैं आपको दो तरह से ये करके दिखाऊंगा। Okay, where is that? I just change the ink color first. Let me make it black. Okay, चलिए, तो पहले तो मुझे दिया हुआ है, this is the rate constant for first order reaction, rate constant for first order reaction, chalo, to rate constant k is given, that is 60 second inverse। चलिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे टी हाफ कितना हो रहा है। मैं आपको दो तरह से ये क्वेश्चन कराऊंगा, पहला मैं कराऊंगा मेथड 1, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ। T half is gonna be 0.693 by K, first order reaction है ना, that is 0.693 divide by 0.60, right? तो आपका यहाँ पे जो T half का value है बच्चों कितना आएगा, देखिए एक मिनट, मुझे जरा calculate कर लेने दीजिए कितना आ रहा है ये। ओके, आप भी calculate कर लीजिए कैलसी पे कितना आ रहा है ये। तो this is gonna be 0.693 divide by 0.6, this is gonna be 1.115. How much is it? It is 1.155 सेकंड, बिकॉज ये सेकंड इनवर्स में है ना, तो आपका टी हाफ आया। अब देखो मैं क्या चाल चलूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी चाल चलने वाला हूं मैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कितना करना है, 1/16th करना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिखूंगा बच्चों के, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके चलो, वेन द टाइम इक्वल टू जीरो, तब कॉन्सेंट्रेशन तो पूरा था आर जीरो जितना। अब जब एक हाफ लाइफ चला गया तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हो गया होगा आधा, कितना हो गया होगा कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा हो गया होगा। चलो जब दो हाफ लाइफ निकल गए तो कॉन्सेंट्रेशन वापस आधा हो जाएगा, तो आर जीरो बाई टू को आधा करो, आर जीरो बाई फोर हो जाएगा। जब एक और हाफ लाइफ चला गया होगा तो कॉन्सेंट्रेशन वापस आधा हो जाएगा, मतलब आर जीरो बाई एट हो जाएगा। जब एक और हाफ लाइफ चला गया तब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वापस आधा, मतलब आर जीरो बाय 16 जो आपको चाहिए। मतलब आपको जो पूछा है ना कि कितने टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16 टाइम हो जाएगा, तो वो टाइम और कुछ नहीं है, वो टाइम है आपका 4 गुना हाफ लाइफ टाइम। तो यहां पर आप कह सकते हो कि आफ्टर फोर हाफ लाइफ concentration become 1/16th of initial concentration।
तो आपको जो टाइम पूछा है ना जो हो जाएगा 4 गुना हाफ लाइफ टाइम, और हाफ लाइफ का वैल्यू आपके पास है बच्चों 1.55, 1.155, इसको आप कर लो बच्चों इंटू 4, आपका आंसर कितना आएगा, इसको इंटू 4 करने पे आपका आंसर आएगा 4.62, ये आंसर इज गोना बी 4.62, राइट। सेकंड, योर आंसर इज, यहाँ पे के का वैल्यू तो सही था, योर आंसर इज गोना बी 4.62 सेकंड। इतने टाइम में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1/16 हो जाएगा, तो ये आपका पहला मेथड हो गया। चलो दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड आप सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करो, यू कैन राइट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर, चलो दैट इज 2.303 बाई के, के का वैल्यू कितना है आपका, के का वैल्यू है 60। चलो मैंने एक जगह पे गलती कर दिया भाई, यहाँ पे के का वैल्यू 0.60 थोड़ी था, यहाँ पे के का वैल्यू खाली 60 था ना, आंसर इज ओनली 60 हियर। तो ये होगा आपका डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, 10 पावर -2, तो आपके आंसर में भी यहाँ पे खाली 10 पावर -2 आएगा साथ में, मैंने के की जगह 60 की जगह 0.60 डाल दिया। ओके दिस इज गोना बी 10 पावर -2 सेकंड, तो यहाँ भी आपका साथ में आएगा 10 पावर -2 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, लॉजिक तो सही था अपना, लॉग ऑफ आर जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल आपको करना है 1/16 टाइम्स, तो आप फाइनल को लिखोगे आर जीरो बाय 16, बिकॉज आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1/16 टाइम करना है ना, तो यू विल राइट आर जीरो बाय 16। चलिए कट हो जाएगा, यानी आंसर इज गोना बी 2.303 बाय 16, लॉग ऑफ 16 ऊपर आएगा, इसको भी सॉल्व करना बच्चों, आपका आंसर यही आएगा 1.62 इंटू 10 पावर -2 सेकंड। तो इतने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल का 1/16 टाइम हो जाएगा, दैट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। चलिए बच्चों अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब सबसे पहला हिंट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन, सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहां पे आपको दिया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, All the radioactive reaction are always of first order reaction. जितने भी radioactivity reaction होते हैं वो सारे first order होते हैं। One of the product is 19 sorensium, जिसका half life दिया है 28.1 year. चलिए आपके पास half life दिया हुआ है एक radioactive element 90 sorensium का, which is 28.1 year. चलो करना क्या है आपको, If 1 microgram of 19 sorensium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium. तो न्यू बॉर्न बेबी के बोन्स के अंदर कैल्शियम की जगह पे 1 माइक्रोग्राम जितना 90 सोरेंशियम भी होता है रेडियो एक्टिव, तो ये पूछा हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 इयर्स एंड आफ्टर 60 इयर्स इफ इट इज नॉट लॉस्ट बाय मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिकली वो लॉस नहीं हो रहा है, मतलब खाली रेडियो एक्टिव से ही, रेडियो एक्टिव प्रोसेस से ही वो 19 सोरेंशियम अगर वेस्ट होगा या यूज होगा, तो 10 साल के बाद 90 सोरेंशियम कितना बचा होगा। चलो तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 19 सोरेंशियम कितना है, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 90 सोरेंशियम है आपका 1 माइक्रोग्राम, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो, न्यू बॉर्न बेबी मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आर जीरो, एंड दैट आर जीरो इज 1 माइक्रोग्राम। कीप योर आंसर्स इन माइक्रोग्राम ओनली, नो नीड टू कन्वर्ट हियर, राइट। नाउ तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने पहले ही मेंशन कर लिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे के निकाल लेना होगा, तो मैं फाइंड कर लेता हूं बच्चों पहले रेट कॉन्स्टेंट। So I will write here rate constant. K is equal to first order reaction है ना 0.693 by T half. That is 0.693 by 28.1 year. Right? तो आपका ये आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका ये आंसर आने वाला है एक मिनट ना, कैलसी यूज करना पड़ रहा है बार बार. So this is gonna be 0.693 by 28.1. So this is gonna be 0.02467. This is 0.02467 year inverse. चलो, okay. अब पहला आंसर लाते हैं बच्चों कि amount of
सोरेंशियम, अमाउंट ऑफ 90 सोरेंशियम इन बोन आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद कितना होगा आपका, राइट? तो टाइम दे दिया है आपको, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर लेना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करो बच्चों, क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन, आपको कहता है भाई के k इज इक्वल टू, और यू कैन से t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर। चलिए बच्चों, टाइम लेना है आपको 10 साल, 2.303 बाई के, चलो k का वैल्यू ये रहा 0.02467, 0.02467 लॉग ऑफ आर जीरो बाय आर। अभी आर जीरो का वैल्यू मत रखना, लास्ट में हम रख देंगे, एक स्टेप में हो जाएगा लास्ट में फिर। चलिए बच्चों, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है पहले तो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या करना है आपको, इसके साथ इंटू करना है 10 और डिवाइड करना है 2.303। तो ऐसा करने पे आपका आंसर आएगा 0.1070, तो दिस इज गोना बी 0.1070 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर जीरो बाय आर। चलिए अब आपको लेना पड़ेगा बच्चों एंटी लॉग, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपको एंटी लॉग फाइंड करना आता है, राइट? तो एंटी लॉग ऑफ 0.1070 इज इक्वल टू आर जीरो बाय आर। चलिए एंटी लॉग में क्या करते हैं बच्चों, जो पॉइंट के पहले है वो सीधा 10 के पावर में जाएगा, तो पॉइंट के पहले 0 है सीधा 10 के पावर में जाएगा। 1070 का आप एंटी लॉग निकालना, 1070 का एंटी लॉग आएगा बच्चों आपका 1279। 1279 एंटी लॉग का रूल कहता है बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट काट के रख दे रहा है आपको, इट इज आर जीरो बाय आर। अब यहाँ पे आर जीरो का वैल्यू आप रख दो, दैट वॉज 1 माइक्रोग्राम जो इनिशियल वैल्यू था, डिवाइड बाय आर, तो 10 साल के बाद जो सोरेंशियम क्वांटिटी होगा दैट इज 1 माइक्रोग्राम डिवाइड बाय 1.279 and this answer is going to be 0.7819 microgram, 0.7819 microgram. This is the quantity of the radioactive sorentium after 10 years. ये क्या है बच्चों आपका, ये आया आपको mention कर ही लेना है answer में भी, this is the quantity of radioactive sorentium after 10 years. चलिए बच्चों अब तो spoon feeding वाला काम है, दूसरा जो है आपका same to same after 50 years आपको कितना find करना है, after 60 years. After 60 years, तो आपको टाइम ले लेना है बच्चों 60. ओके, वापस सेम टू सेम अब इक्वेशन लगा दोगे बच्चों के 60 टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के, के का वैल्यू था 0.02467. मैं यहीं से सीधा उठा रहा हूँ, यही इक्वेशन को सीधा यहां से उठा रहा हूँ, खाली टाइम चेंज कर देना है आपको, 10 की जगह 60 कर देना है, लॉग ऑफ आर जीरो बाय आर, राइट? चलो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा आपका 0.6425 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर जीरो बाय आर। चलिए एंटी लॉग करेंगे ना आप, जैसे ही एंटी लॉग करेंगे 0.6425 का, तो 0.6425 का एंटी लॉग बताऊं कितना आएगा, ये एंटी लॉग आएगा बच्चों आपका 4.385, और आगे पॉइंट के पहले जीरो है मतलब 10^0 इज इक्वल टू आर जीरो बाय आर। आर जीरो का वैल्यू आप रख देना मेरा बच्चा लोग, 1 माइक्रोग्राम, सिंप्लीफाई करना, जैसे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.2280 माइक्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन सिंपल है बट एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सोरेंशियम आफ्टर 60 ईयर। ओके, तो 60 साल के बाद बोन के अंदर इतना सोरेंशियम होगा, तो सीधा आपको फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन रखना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। चलो मुन्ना लोग, अगला सवाल। For a first order reaction, show that time for completion of 99% reaction, time for completion of 99% reaction is twice the time required for the completion of 90% reaction. चलिए हो जाएगा यार, टेंशन का है लेने का, इंपॉर्टेंट सवाल हुआ 3 मार्क का। प्रूव क्या करना है, तो आपको पहला हिंट दिया है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलो बच्चा लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपको हिंट ऐसा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, प्रूव करना है आपको के ये कुछ ज्यादा हो गया। ओके, यू नीड टू प्रूव दैट टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस टाइम फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। समझ गए, मैंने मैथमेटिकल लिख दिया। चलिए पहले आ जाइए बच्चों, लिखते हैं टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम फॉर 99%
कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन। चलो देखते हैं बच्चों, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जब भी परसेंटेज में होगा, मैंने आपको सिखाया है कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बचा कितना होगा, तो 99% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना होगा 100 - 99, मतलब खाली एक जितना आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा, है कि नहीं, बराबर ना, राइट। 99% खत्म हो गया तो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन 1% जितना बचा होगा। चलो तो इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसको सिंबल देंगे बच्चों T99 That is equal to first order rate equation 2.303/k log of r0/r। अब वैल्यू रखूंगा मैं, डायरेक्ट भी रख सकता था बट आप चुनने मुन्ने बच्चों, आपको फिर समझ नहीं आएगा। log of r0 आपका 100 है और बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है 1। अब इसको ना कैलसी पे सॉल्व करने मत बैठना, नहीं तो तुमको ना गधा बोलेगा कोई। 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर, चलिए 2 आगे आ जाता है आपका, तो 2 × 2.303/k और log 10 का वैल्यू होता है 1। ये पावर जो है वो कहाँ आता है, log में मल्टीपल में आ जाएगा आगे, और फिर log 10 का वैल्यू होता है 1, गिव इट नेम एज 1। चलो ये हो गया आपका टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब इसी तरह से हम करेंगे बच्चों टाइम फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। आ जाइए टाइम फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। चलो मुन्ना टाइम फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। चलो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आर जीरो वापस परसेंटेज में है, तो आर जीरो आप 100 ले लो। अब आपका आर कितना होगा, तो रिएक्शन 90% पूरा हो चुका होगा, तो आर कितना बचा होगा, 100 - 90 मतलब 10 जितना बचा होगा। चलो तो नोटेशन देते हैं बच्चों T90 कंप्लीशन है ना, 2.303/k log of r0 was 100/r is 10, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, राइट। चलो दिस इज गोना बी 2.303/k, ये बचा log 10 और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये खाली आया बच्चों आपको 2.303/k। T90 का वैल्यू खाली 2.303/k आया, और T99 के अंदर दो बार ये आ रहा था 2.303/k, तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम 1 and 2, T99 इज इक्वल टू 2 times 2.303/k, और वो 2.303/k और कुछ नहीं है, T90 है। ले हो गया प्रूफ, हेंस इट इज प्रूव्ड। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर, राइट। चलिए अगला एक सवाल, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% कंप्लीशन, कैलकुलेट टी हाफ। ओके टी हाफ कितना होगा, मिल जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड टी हाफ, रिएक्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर, क्या रिएक्शन है बच्चों आपका, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो अगर आपको डेफिनेटली टी हाफ का वैल्यू चाहिए तो आपको के पता होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k। तो कहीं से अगर आपने के ला दिया तो आपका काम हो जाएगा। के लाने के लिए आपके पास ये रहा डेटा है, 40 मिनट में रिएक्शन 30% पूरा हो गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका। वापस आपका सवाल परसेंटेज में दिख रहा है ना, तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे 100, टाइम गया कितना 40 मिनट, उसमें रिएक्शन 30% पूरा हो गया, तो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन बचा कितना होगा, 100 में से 30 निकाल दो, कितना बचा होगा, 70 बचा होगा, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज 100, उसमें से 40 मिनट में 30% रिएक्शन पूरा हो गया, तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा। चलिए तो हम इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन यूज करेंगे, तो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन क्या कहता है बच्चों, टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का 2.303/k log of r0/r, This is 2.303/k, तो फाइंड करना है हमें, टाइम है आपके पास 40 मिनट, ध्यान रखना यूनिट में मिनट में चल रहा है सब कुछ। log of r0 is 100, r is 70, चलिए तो अब k का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2.303/40 log of 10/7 मिनट इनवर्स में, बिकॉज आपका टाइम मिनट में था,
ओके चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपका मैं बता दूं के का वैल्यू कितना आएगा। इसको सॉल्व करने में आपका के का वैल्यू आएगा 2.89 × 10⁻³। कितना आएगा ये के का वैल्यू, सॉरी 8.91। आप कर लेना लॉग निकाल लेना 8.91 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। चलो आ गया ना के का वैल्यू, कब का चाहिए तुमको? के का वैल्यू आ गया, डाल दो यहाँ पे टी हाफ में, तो योर टी हाफ इज गोना बी 0.693 / k, जहां पे k का वैल्यू है 8.91 × 10⁻³। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77.78 मिनट। दिस इज द हाफ लाइफ, राइट? टी हाफ दिस इज 77.78 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। आई कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, दो इज वॉज वेरी सिंपल, तो भी पूछा जा सकता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर में जो डेटा दिया है उसकी मदद से आप k का वैल्यू निकाल लो, k को यहाँ पे रख के आप t हाफ आराम से फाइंड कर सकते हो। अगला सवाल क्या कहता है? फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। ओके, तो यहाँ पे डेटा देखो बच्चों, डेटा है आपका प्रेशर के लिए। आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है रेट कांस्टेंट क्या होगा वो। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। ओके, तो आपको किसको करना है बच्चों? डीकंपोज पहले देखो। तो फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन में से दो चीजें बन रहा है बच्चों, दैट इज हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। एजो आइसोप्रोपेन में से दो चीजें बन रहा है बच्चों, हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। टेम्परेचर है 543 और डेटा दिया है टोटल प्रेशर का। ये किसका डेटा है भाई? दिस इज द डेटा ऑफ द टोटल प्रेशर। ओके, चलिए तो आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये गैस कर लेना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो इट विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एज्यूम डीकंपोजिशन रिएक्शन is first order reaction. This decomposition reaction is first order reaction. चले सबसे पहले भी आपको इसका equation पता होना चाहिए। Okay, तो आपको क्या करना है, azo isopropane दिया हुआ है। ओके, और ये एजो आइसोप्रोपेन डीकम्पोज होकर दो चीजें बना रहा है, एक बना रहा है वो नाइट्रोजन गैस और दूसरा बना रहा है हेक्सेन, जो आपको दिया हुआ है ना, नाइट्रोजन प्लस हेक्सेन। चलिए, इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए बिकॉज इसमें आपको स्टोकियोमेट्री का काम पड़ेगा कि किसका प्रेशर कितना चेंज हो रहा है तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो एजो आइसोप्रोपेन, एजो का एजो ग्रुप का मतलब होता है एन डबल बॉन्ड एन, राइट? और आइसोप्रोपेन का मतलब आपको पता ही होगा बच्चों, CH CH3 CH3। यहां पे भी सेम CH CH3 CH3, राइट? ये हो गया आपका एजो आइसोप्रोपेन कंपाउंड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एजो ग्रुप, दोनों तरफ आइसोप्रोपेन। चलिए, डीकम्पोज होगा तो नाइट्रोजन 1 मोल बनेगा गैस के फॉर्म में, ये भी गैसियस कंपाउंड होता है, और हेक्सेन बनेगा, दैट इज C6H14। दोनों तरफ के आइसो वाले ग्रुप जुड़ के हेक्सेन बन जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, राइट? वो भी किस फॉर्म में होता है बच्चा आपका? गैसियस फॉर्म में ही होता है। चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली खाली खाली प्रेशर किसका होगा? रिएजेंट का होगा, दैट इज P0। इन दोनों का इनिशियली कोई प्रेशर होता नहीं है। चलिए, अब यहां पे लिखेंगे फाइनल प्रेशर। तो सपोज ये आपका रिएजेंट का जो प्रेशर है, इसका प्रेशर सपोज P जितना डिक्रीज हुआ है ना, ये यूज होगा धीरे धीरे, डिकम्पोज होगा तो इसका प्रेशर कम होगा। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबके 1:1 है। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके क्या है बच्चों? 1:1 है। दैट इज वेरी 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 क्रूशियल इन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। तो अगर इसका प्रेशर पी जितना डाउन हुआ तो इसका प्रेशर पी जितना प्लस होगा, इसका भी प्रेशर पी जितना प्लस होगा, बिकॉज सबका कोएफिशिएंट 1:1 है। तो इसका प्रेशर बचना है P0 - P, इसका प्रेशर बचेगा P, इसका प्रेशर बचेगा P। व्हाट इज द टोटल प्रेशर? तो यहां पे बच्चों आपका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? तो आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा पी टोटल, सबको प्लस करो, दैट इज इक्वल टू P0 - P, जो पहले रिएजेंट का है, दूसरे रिएजेंट का P,
तीसरे रिएजेंट का भी पी, राइट। हुआ इतना आपका? चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका पी जीरो प्लस पी, दिस इज द टोटल प्रेशर। ओके, पहले हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ना एक ओवरऑल फॉर्मूला ही बना देते हैं और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे तो अपना आंसर तुरंत ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल प्रेशर का इक्वेशन। तो टोटल प्रेशर में से बच्चों आप ये देखो, आपको पी कितना मिलेगा, ये स्मॉल पी आपको मिल रहा है पीटी माइनस पी जीरो, दिख रहा है आपको? आपको स्मॉल पी कितना मिल रहा है, पीटी माइनस पी जीरो मिल रहा है। अब जब आप फर्स्ट इक्वेशन का रेट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के रेट इक्वेशन में आपको चाहिए इनिशियल प्रेशर रीएजेंट का एंड फाइनल प्रेशर रीएजेंट का। हम खाली रीएजेंट से ही कैलकुलेट करते हैं, तो रीएजेंट का इनिशियल प्रेशर था पी जीरो और रीएजेंट का फाइनल प्रेशर है पी जीरो माइनस पी। तो मैं यहां पे फाइंड कर ही लेता हूं कि फाइनल प्रेशर ऑफ रीएजेंट, फाइनल प्रेशर ऑफ द रीएजेंट आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम के बाद जो रीएजेंट का प्रेशर है ना, दैट प्रेशर इज पी जीरो माइनस पी, दैट इज पी जीरो माइनस पी। पी का वैल्यू क्या है, ये रहा पी का वैल्यू, आप यहां से उठा के डालो पीटी माइनस पीओ, लेट्स पुट इट हियर, इट इज पीटी माइनस पीओ, ये हो जाएगा पीओ प्लस पीओ, दैट इज टू पीओ माइनस पीटी। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टू पीओ माइनस पीटी, दिस इज गोना बी टू पीओ माइनस पीटी। तो ये हो गया आपका रीएजेंट का फाइनल प्रेशर। अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं खाली रेट इक्वेशन यूज करूंगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सी, आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके निकाल सकते हो, हाँ, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज आगे क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया था कि यहीं पे आप टोटल प्रेशर का, इसी के अंदर आप टोटल प्रेशर का वैल्यू रखो, पी जीरो का वैल्यू रखो, आप पी ला दो, पी को यहाँ पे रखो, फिर आप सिंप्लीफाई करो। हम यहाँ पे एक ओवरऑल इक्वेशन बना रहे हैं और फिर उसके अंदर फाइनल जाकर वैल्यू डालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहता है कि टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएजेंट डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएजेंट, और वो ये रहा फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएजेंट 2 पीओ माइनस पीटी, ये हमने निकाला है ना, ये रहा रिएजेंट का फाइनल प्रेशर पीएफ, दैट इज पी जीरो माइनस पी, हमने सिंप्लीफाई किया वो मिला हमें 2 पी जीरो माइनस पीटी, 2 पी जीरो माइनस पीटी, राइट। चलिए बच्चों, तो यहां पे आप लिख दोगे टी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ पी जीरो और फाइनल प्रेशर है आपका 2 पी जीरो माइनस पीटी। स्टोक्योमेट्री के हिसाब से बदलते रहेंगे इक्वेशन, है यहाँ पे 111 का स्टोक्योमेट्री इसलिए ऐसा बना, अगर स्टोक्योमेट्री कोई और इक्वेशन दिया हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये वाले पे, इसके ऊपर, राइट, ये वाले पे आप ध्यान रखोगे, इसके हिसाब से आपका इक्वेशन बदलेगा, ठीक है। चलो, तो आपको के चाहिए था ना, तो ऊपर नीचे कर ही देते हैं, के को भी एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा हमें, राइट। यहाँ पे टी नीचे ले लो, के ऊपर ले लो। अब यहाँ पे आपके पास ये इनिशियल प्रेशर है डेटा के अंदर, स्टार्टिंग का प्रेशर पी जीरो, ओके, ये आपका पहला टोटल प्रेशर है एट 360 सेकंड, ये दूसरा टोटल प्रेशर है एट 720 सेकंड। तो दो अलग अलग बार हम रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों एट टाइम टी इक्वल टू 360 सेकंड। जब आप 307 सेकंड की बात करोगे तो आपका K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T, T क्या है आपका 360 सेकंड, T क्या है आपका, T है आपका 360 सेकंड, लॉग ऑफ P0, चलो P0 का वैल्यू है 35 डिवाइड बाई 2 टाइम्स P0, 2 इंटू 35 माइनस PT, तो 307 सेकंड पे टोटल प्रेशर है 54, राइट, तो दैट इज गोना बी 2.303 by 360 log of 35 divided by 70 minus 54 16। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपका k का एक वैल्यू आ जाएगा बच्चों, और ये k का वैल्यू आपका आ रहा है 2.17 into 10 power minus 3, 2.17 into 10 power minus 3, टाइम आपका सेकंड में है तो ये सेकंड इनवर्स कर लिया आपने एक बार, राइट। चलिए इसी सेम तरीके से अब आप क्या करोगे, सेकंड रखोगे, इसी सेम तरीके से आप टी का वैल्यू रखोगे 720 सेकंड। क्या करोगे बच्चों, आप टी का वैल्यू रखोगे 720 सेकंड, अब वापस ऐसे ही सॉल्व करोगे, यहां पे आप 720 रखोगे टाइम की जगह पे और टोटल प्रेशर की जगह आप रखोगे 63, और वहां से आप वापस के निकालोगे विद नेम एस के1 पहले डेटा के लिए, और दूसरे डेटा के लिए जब आप के2 निकालोगे
तो 720 सेकंड जब आपका होगा ना बच्चों, तब आपको टोटल प्रेशर कितना रखना है, आपको टोटल प्रेशर रखना है 63। तो इस इक्वेशन में जाके आप रख देना वैल्यूज वापस, तो आपका K2 का वैल्यू आने वाला है 2.24 × 10⁻³। कितना आएगा ये आपका 2.24 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स आएगा। और आपको जो फाइनल आंसर चाहिए कि भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना होगा, उसके लिए आपको इसका निकाल लेना है एवरेज। तो आपको K का जो वैल्यू चाहिए दैट इज एवरेज, दैट इज K1 + K2/3, यू विल टेक द एवरेज वैल्यूज। K1 + K2/3 दिस इज द एवरेज वैल्यू, 3 थोड़ी आएगा, 2 आएगा ना, K1 + K2/2, राइट। तो आप इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, दैट इज 2.21 × 10⁻³। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, जहां पे भी गैस का प्रेशर ही दिया हुआ है, पूरा गैसियस सिस्टम है, तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना रहेगा गैसियस सिस्टम वाले क्वेश्चन में, राइट। ओके, चलिए, ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो मतलब 10 बार पेपर बनेगा ना, उसमें से 7 बार ये क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा, 4 मार्क में। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो फिर मुझे तो इसके लिए कुछ और इंक कलर यूज करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व विद द ब्लू पेन। चलिए, क्या कहा है, तो वापस आपके पास गैसियस सिस्टम है नंबर 20 जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं स्टेप्स बड़ा फटाफट रिपीट करूंगा। तो आपका गैस है बच्चों Sa2Cl2, इसमें से दो गैस बने SO2 and Cl2, राइट। फायदे की बात यह है कि सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। चलो, इनिशियल प्रेशर इसका P0, इन दोनों का इनिशियल प्रेशर क्या होगा, 0-0, राइट। फटाफट आगे जैसा किया वैसा ही करना है आपको। चलिए, इसके प्रेशर में P जितना डाउन हुआ तो इसके प्रेशर में P जितना प्लस होगा, इसके प्रेशर में भी P जितना प्लस होगा, तो ये प्रेशर आपका हो जाना है P0 - P, ये प्रेशर हो जाएगा P, ये प्रेशर हो जाएगा P, राइट। ठीक है, चलो, टोटल प्रेशर क्या बनेगा आपका, प्लस करोगे सबको बच्चों, तो जैसे ही आप सबको प्लस करोगे आपका P टोटल बन जाएगा P0 + P, क्या बन जाएगा टोटल प्रेशर आपका P0 + P बन जाएगा, जैसे ही आप इसको प्लस करोगे, राइट। टोटल प्रेशर इज गोना बी P0 + P, ओके। चलो, तो यहां से आपको ये जो P चाहिए, प्रेशर में कितना डिफरेंस आने वाला है टाइम टी, दैट इज PT - P0, राइट। तो आपका जो रिएजेंट है SO2Cl2, रिएजेंट कौन है भाई, अपना SO2Cl2 है। इस रिएजेंट का इनिशियल प्रेशर है P0 एंड प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पे उसका प्रेशर कितना है भाई, ये रहा, टी टाइम पे उसका प्रेशर है P0 - P, मैंने सेम आगे किया था वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, P0 - P, और ये रहा P का वैल्यू, PT - P0, P का वैल्यू है PT - P0, तो ये हो जाएगा आपका 2 × P0 - PT, दिस इज द प्रेशर एट टाइम टी। चलिए, अब आप डेटा जरा देख लीजिए, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कैलक्यूलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, फाइंड करना है कैलक्यूलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमोस्फियर, आपको निकालना है बच्चों रेट। अब जरा ध्यान से यहां पे देखिएगा, तो आप लिख सकते हो कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, राइट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप सब चालू हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हो बच्चों के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब जो रेट है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेस्ड टू 1, रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर रेस्ड टू 1, ओके, देयर विल बी द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के इंटू प्रेशर रेस्ड टू 1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है, तो योर रेट इज गोना बी नथिंग बट के इंटू प्रेशर रेस्ड टू 1, राइट। और आपका रीएजेंट का जो प्रेशर है वो क्या है भाई, रीएजेंट का प्रेशर आपने बना दिया है ये रहा SO2Cl2, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे एकदम, SO2Cl2 का टी टाइम के ऊपर प्रेशर है 2P0 - PT, राइट। SO2Cl2 का टी टाइम के ऊपर प्रेशर है, ये क्या है, दिस इज द प्रेशर एट टाइम टी, और टी टाइम के ऊपर किसका प्रेशर, SO2Cl2 का,
टी टाइम के ऊपर SO2 Cl2 के प्रेशर का हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाया है, और वो इक्वेशन और कुछ नहीं है, दिस इज 2P0-PT। क्या है बच्चा लोग, ये इक्वेशन है आपका 2P0-PT। अभी एक ही दिक्कत है हमारे पास, P0 वैल्यू है, यस एक्सपेरिमेंट नंबर वन, इनिशियल प्रेशर खाली रिएजेंट का होगा, मतलब ये आपका P0 है, P0 वी हैव। ओके, आपको ये पूछा है आपको रेट कब निकालना है, व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65, तो वी हैव द टोटल प्रेशर आल्सो, जब हमें रेट निकालना है, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज अननोन इज दिस के, चलिए तो आ जाए थोड़ा गिनती हो जाए, के के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो यू कैन राइट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फाइंड करना पड़ेगा आपको, के इज इक्वल टू 2.303/T log of initial pressure डिवाइड बाय प्रेशर एट टाइम टी, और टी टाइम पे प्रेशर का फॉर्मूला ये रहा जो हमने पहले ही बना दिया है, 2P0-PT बराबर है। ये जो भी आपके वैल्यूज होंगे ना वो रिएजेंट के लिए होता है, रिएजेंट है SO2Cl2। रिएजेंट कौन है बच्चों आपका, रिएजेंट है आपका SO2Cl2 जिसका इनिशियल प्रेशर P0 था, उसका इनिशियल प्रेशर देखिए ये रहा, उसका इनिशियल प्रेशर वॉज P0, और टी टाइम के ऊपर उसका प्रेशर हो रहा था आपका एट टाइम टी P0-P एट टाइम टी, राइट, जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाल दिया है, ये रहा टी टाइम के ऊपर उसका प्रेशर है 2P0-PT जो हम यहाँ पे रखेंगे। चलो देखो बच्चों आगे 2.303, चलो अब कौन सा डेटा यूज करेंगे, तो वी विल यूज दिस डेटा, वी विल यूज दिस डेटा, कैट टाइम इक्वल टू 100 सेकंड, तो टाइम की जगह रखो 100, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर तो 0.5 ही था, डिवाइड बाई 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर 0.5 माइनस 100 सेकंड के ऊपर टोटल प्रेशर था आपका 0.6, 100 सेकंड पे आपका टोटल प्रेशर था 0.6, तो हमने यूज कर लिया बच्चों एट टी इक्वल टू 100 सेकंड टोटल प्रेशर वाज 0.6 एटमॉस्फेयर। तो ये डेटा हमें यूज करना था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, वहां से हमें के मिल जाएगा, राइट, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, के मिल जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे ना बच्चों, कर लोगे ना सिंप्लीफाई, ओके लेट मी राइट 2.303/100 log of ऊपर रहेगा 0.5 नीचे रहेगा 0.4 हो जाएगा, तो दिस इज 5/4। चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे मैं बता दूं आपको k का वैल्यू कितना आएगा, ओके तो मैं देख लेता हूं फटाफट, तो आपका k का वैल्यू आएगा 2.23 × 10⁻³, 2.23 × 10⁻³ टाइम किसमें है, सेकंड में है देखो, तो आपका k का वैल्यू भी आएगा सेकंड इनवर्स में। चलिए बच्चों आपका k आ गया, तो जो हमें घट रहा था वो हमारे पास आ चुका है वैल्यू ऑफ द k, तो अब आपको जो रेट पूछा है आप फाइंड कर लो। चलो तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें जो पूछा है रेट इज इक्वल टू के, के का वैल्यू कितना है 2.23 × 10⁻³, 2 × P0 है 0.5, और हमें जब रेट निकालना है तब टोटल प्रेशर दिया है 0.65, जब हमें रेट निकालना है तब टोटल प्रेशर है 0.65। चलिए बच्चों आपके हाथ चलेंगे फटाफट फटाफट कैलसी के ऊपर, आपका आंसर आएगा 7.8 × 10⁻⁴, 7.8 × 10⁻⁴ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका यूनिट बनेगा प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय टाइम सेकंड, यहाँ पे मोल पर लीटर नहीं रहेगा, हाँ यहाँ पे रहेगा आपका एटमॉस्फेयर यूनिट, बिकॉज प्रेशर के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन है, प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपके आधे आधे मार्क करके तो बहुत सारे मार्क चले जाएंगे, राइट। तो वापस मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूंगा बच्चों आपके लिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है, एक अलग कलर से समराइज करते हैं इसको, हल्के से कलर से समराइज कर लेते हैं इसको पीले कलर से। चलो पहले आपको एक गैसियस सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, राइट, आपको एक्सपेरिमेंट में दिया है टोटल प्रेशर वर्सेस टाइम, दो एक्सपेरिमेंट दिए हैं, टाइम के साथ टोटल प्रेशर दिया है, स्टार्टिंग में जो भी टोटल प्रेशर दिख रहा है वो रिएजेंट का होगा, मतलब ये इनिशियल प्रेशर है आपका P0, और फिर जो आपको टाइम जाने पर जो टोटल प्रेशर दिख रहा है वो सारे के सारे रिएजेंट को मिला के प्रेशर होगा, टोटल सबको मिला के। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिखा SO2Cl2 + SO2 will give you + Cl2, चलिए उसको हमने किया सिंप्लीफाई, ये येलो कलर तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी कीप इट ब्लैक, राइट। चलो फिर हमने क्या किया, सारे प्रेशर को प्लस किया P0-P, PnP, तो टोटल प्रेशर का हमें एक इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन ऑफ टोटल प्रेशर, उसमें से हमने ये P निकाल दिया कि प्रेशर कितना वेरी हो रहा है, तो प्रेशर वेरियंस है P0PT-PO, मुझे जो भी चाहिए ना वो SO2Cl2 का प्रेशर चाहिए, बिकॉज वो मेरा रिएजेंट है, तो SO2Cl2 का इनिशियल प्रेशर है P0,
और टी टाइम के बाद SO2 Cl2 का प्रेशर चेंज होके हो रहा है पी जीरो माइनस पी, और उसके अंदर मैंने ये पी का वैल्यू रख दिया जो मैंने ऊपर फाइंड किया था, राइट तो मुझे SO2 Cl2 का टी टाइम के बाद का प्रेशर भी मिल चुका है। ओके चलिए अब मुझे ये निकालना था व्हाट इज द रेट, तो रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेस टू वन बिकॉज गैसियस सिस्टम है, साथ में आएगा रेट कॉन्स्टेंट के, ये कौन सा प्रेशर, तो ये प्रेशर है एट टाइम टी, किसका प्रेशर SO2 Cl2 का, बिकॉज SO2 Cl2 इज योर रीएजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके ये आपके रीएजेंट का प्रेशर है एट टाइम टी, एंड दैट टाइम टी रीएजेंट का प्रेशर हमने निकाला हुआ इक्वेशन 2PO - PT, विल पुट इट हियर 2PO - PT। ओके PO आपके पास है इनिशियल प्रेशर, आपको टोटल प्रेशर भी पता है कितना लेना है 0.65, यहां पे आपको टोटल प्रेशर लेना है 0.65 एटमॉस्फेयर, अगर कहीं घटे तो उस घटे आपको के वैल्यू घट रहा है हमारे पास, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ के, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ के कहां से लाएंगे, तो हम फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज के बाय 2 के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएजेंट एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएजेंट जो ये रहा 2PO - PT। विल पुट द डेटा ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट हियर, सिंप्लीफाई करेंगे के मिलेगा, के को जाके यहां पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि रेट कितना है। ओके तो दिस वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करेंगे, पर इसके इससे पहले ना मैं इसको थोड़ा सा स्टार देना चाहता हूं, समझ लेना मैं कितना इंपॉर्टेंट कह रहा हूं इसको, रेस टू इंफिनिटी। अब आपकी मर्जी चार मार्क लाने ना लाने, आपको चार मार्क से कोई फर्क ना पड़ता हो तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगला सवाल चलो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आया, हाँ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन, तो व्हाट यू हैव इज द टेम्परेचर वर्सेस रेट कॉन्स्टेंट के, हमारे पास है बच्चा लोग टेम्परेचर वर्सेज रेट कॉन्स्टेंट के, हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन ln k एंड 1 बाई t। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड e वैल्यू, प्रेडिक्ट द रेट कॉन्स्टेंट एट 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको जो टेबल दिया है ना उस टेबल में दो कॉलम है आपके पास, एक टेम्परेचर का कॉलम है, दूसरा कॉलम है आपके पास k का। तो मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है, तो टेम्परेचर जीरो है तब k का वैल्यू है 0.787 इंटू 10 पावर 5, देखो 10 पावर 5 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, देख लो यहाँ पे जब आपका t हुआ 20 तो k का वैल्यू हुआ है आपका 25.7, नहीं दिस इज 1.70 इंटू 10 पावर 5, फिर जब टाइम का वैल्यू हुआ 40 तब k का वैल्यू हुआ 25.7 इंटू 10 पावर 5, फिर ये टेम्परेचर हुआ 60, टेम्परेचर है हाँ ये टाइम नहीं है, तो ये हो गया 178 इंटू 10 पावर 5, जब और बड़ा तो ये हो गया आपका 2140 इंटू 10 पावर 5। अब आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है ln k, तो आप सारे k के वैल्यू जो है ना उसका ln k निकालोगे, ln मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग मतलब आपको लॉग बेस e में देखना है सारे वैल्यूज, राइट अब लॉग बेस e में सारे वैल्यू देखोगे ओके तो आपके जो वैल्यूज है ना इन सब के जो आपके वैल्यू होंगे लॉग बेस e में तो लॉग बेस e का मतलब और कुछ नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो विद 2.303 इनटू सी, आई विल गिव यू द हिंट हाउ वी कैन गोना डू इट, ln k का मतलब और कुछ नहीं है 2.303 इनटू लॉग 10 बेस k, राइट तो चलो सबके वैल्यू आप वन बाय वन फाइंड करोगे 2.303 के साथ इनके लॉग के वैल्यू आप जैसे ही सॉल्व करोगे कैलसी के ऊपर तो आपका लॉग के का जो ग्राफ है ना ओके सो द फर्स्ट वन इज गोना बी आपको ग्राफ प्लॉट करना है 1/t का है ना और बहुत मुश्किल है तो 1/t का ग्राफ है तो आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा 1/t का जहां पे आपको इन सारे के सारे टेम्परेचर को इन्वर्स करना पड़ेगा बट इन्वर्स करना पड़ेगा आपको केल्विन यूनिट में आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा केल्विन यूनिट में इन्वर्स करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1/273 अरे 0 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा 1/293 ये हो जाएगा 1/40 है ना 40 मतलब 3 कितना हो जाएगा 40 मतलब 313 फिर 1/333 और फिर 1/ कितना हो जाएगा ये 353 केल्विन में सारे के सारे दिस हैज टू बी इन केल्विन यूनिट ओके काम मुश्किल है थोड़ा इसलिए मैंने कहा ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा ऐसा सवाल है चलिए ये सारे जब आप लॉग के वैल्यू भी निकालोगे ना ओके तो जहां तक मुझे लग रहा है ना ये सारे 10 पावर माइनस में होने चाहिए दिस हैज टू बी 10 पावर माइनस
कि आपके सारे बुक में जो आंसर है ना वो माइनस होते हैं, 10^-5 है सारे के वैल्यू। चलो वन बाय वन आप लॉग निकालोगे इसका, तो ये वैल्यू आएगा 0.61040 माइनस 0.474696 माइनस 3.5900 माइनस 2.7496 माइनस 1.6996, दिस इज व्हाट यू आर गोना गेट। अभी आपको हजामत करनी है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। और अब देखना बच्चों, ग्राफ में से आपको कुछ डेटा मिलेगा, यहाँ पे आप प्लॉट करोगे ln के, यहाँ पे आप प्लॉट करोगे 1/t, एंड सरप्राइजिंगली आपका जो ग्राफ है ना, सारे पॉइंट जो आपके होंगे, अभी आपको बहुत ही समझ समझ के वैल्यूज यहाँ पे लेने पड़ेंगे x y एक्सिस के ऊपर, और आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको पैटर्न याद होगा तो थोड़ा बहुत आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो एग्जाम में, राइट। तो आपका पैटर्न को जिस तरह बनेगा, दिस इज द ग्राफ। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता होना चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर, आर्हेनियस इक्वेशन होता है बच्चों आपका k इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पे जब दोनों तरफ लॉग लगाते हैं ना तो एल एन के हो जाता है आपका एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। मतलब ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, तो ये होगा आपका स्लोप माइनस ई ए बाय आर, और ये एल एन ए होगा आपका इंटरसेप्ट। तो ये जो वैल्यू आया ना यहाँ पे, ये आपका ln a का वैल्यू है। किसका वैल्यू है आपका, ln a का वैल्यू है। तो यहाँ पे ये ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट और कुछ नहीं होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ln a। चलो मैं बताऊँ कितना आएगा वो, तो लेट मी टेल यू, ये आपका ln a का वैल्यू आने वाला है, कहाँ गया एक सेकंड, ना a भी निकालना है ना आपको, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड ea। ए का वैल्यू तो इन लोगों ने निकाला ही नहीं है क्या? चलो, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस ऑन द लॉग बेस, ये कितना वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आपका वैल्यू जो है ना वो -0.8 के आजू बाजू कुछ टच करेगा। ओके, ये वैल्यू आपका कहाँ टच करेगा, -0.8 के आजू बाजू टच करेगा। एल एन का मतलब हो जाएगा 2.303 लॉग ए इज इक्वल टू -0.8। इसको आप सिंप्लीफाई करना बच्चों और ए का वैल्यू निकालना। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करके ए का वैल्यू निकालोगे ना, तो आपका ए का वैल्यू जो आने वाला है, दिस वैल्यू विल कम एज 1.585 आएगा आपका, खतरनाक वैल्यू ऐसा, ए का वैल्यू आएगा आपका 1.585 ओके इंटू 10^6 ऐसा कुछ आएगा आपका ए का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए तो आपको मिलेगा, राइट ओके। चलिए और क्या कहा है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आपको निकालना पड़ेगा स्लोप क्या है वो। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों एग्जाम में, बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहना। तो इसका जो स्लोप आएगा ना, स्लोप का मतलब क्या है, तो आप कोई भी यहां से दो पॉइंट ले लो अपने जो ग्राफ में होंगे ना, सपोज वी आर टेकिंग दिस टू डेटा 40 and 60 राइट। तो उसके रिलेटेड आप यहाँ के वैल्यूज, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वाई, उसके रिलेटेड आपके यहां से वैल्यू, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्स। तो स्लोप का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ वाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स, और ये स्लोप जो है वो कुछ नहीं होगा, दैट इज ई ए बाय आर, दैट इज माइनस ई ए बाय आर, राइट। वो स्लोप का वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस ई ए बाय आर होगा। सपोज ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, तो ये आपका एक्स टू हो गया, ये हो गया आपका वाई टू, ये हो गया आपका एक्स वन, ये हो गया आपका वाई वन, राइट। तो ये स्लोप का मतलब होता है आपका बच्चों वाई टू माइनस वाई वन Divide by x2 minus x1, this is your EA by R value. Simplify करोगे ना आप पूरा निकाल के, आप स्लोप वोप निकालना, राइट। तो आपका आंसर आएगा 97875, your activation energy will be 97875 joule per mole. This is gonna be the activation energy. इतना आएगा आपका activation energy 97875 जूल पर मोल, दिस इज गोना बी द एक्टिवेशन एनर्जी ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस ग्राफ का स्लोप है, राइट right? और यहां से जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, दैट इंटरसेप्ट इज एल एन ए। इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा आपका, एल एन ए इज गोना बी द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ओके। चलिए उसके बाद क्या पूछा, प्रेडिक्ट द रेट कॉन्स्टेंट एट 30 and 50। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 and 50 डिग्री आपका टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर से
देखो भाई ये खतरनाक में से खतरनाक क्वेश्चन है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना होगा? ये केल्विन में होगा आपका 303 केल्विन। तो इसके रिलेटेड 1/T मतलब 1/303 वाला पॉइंट आप यहाँ पे ढूंढो इस ग्राफ के ऊपर, उसके रिलेटेड अब यहां से पॉइंट लाओ वट एवर इट इज, तो ये आपको मिलेगा ln k का वैल्यू, फिर वापस उसका एंटी लॉग लो तब जाके आपको k मिलेगा, राइट। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, बट अगर 20, 25, 30 मार्क में हो तो पूछा जा सकता है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए खाली आरहेनियस इक्वेशन का, कि जो ln k वर्सेस 1/T का ग्राफ बनता है उसका इंटरसेप्ट होता है ln a का वैल्यू और उसका स्लोप होता है दैट इज ea/r। इतना आपको पता है ना तो बहुत है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलो, तो इसी तरह से आपको सेम 50 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करना है। तो फिर आपको ये जो टी का वैल्यू है ना, फिर आपको ये जो टी का वैल्यू है वो 50 डिग्री सेल्सियस लेना है। 50 मतलब 323 केल्विन, तो उसके रिलेटेड 1/T दैट इज 1/323 करो कैल्सी के ऊपर, उसके रिलेटेड यहाँ पे टेम्परेचर निकालो, उस टेम्परेचर के रिलेटेड यहाँ पे वाई एक्सिस का पॉइंट निकालो, दैट विल गिव यू अगेन ln k, उसका वापस एंटी लॉक करो। सो दिस थिंग्स आर गोना बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, राइट। लॉग एंटी लॉग में तुम्हारा 3 घंटा निकल जाएगा। चलो, तो दिस क्वेश्चन इज, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो इतना इनफ है करने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके नाउ, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अब लेट्स वी हैव टू स्टॉप राइट नाउ, ओके। फिर आगे वाले सेशन में हम और क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 23, जैसे आप देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू सम एट, आई नॉट सी द डेटा प्रॉपरली, ओके। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 × 10⁻¹⁵। कितना है बच्चों? रेट कॉन्स्टेंट दे दिया आपको, के इज गिवन राइट एट टेम्परेचर 546 केल्विन, ओके। देन व्हाट एल्स इज गिवन? चलो, द नेक्स्ट गिवन इज इफ द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी इज ई ए, यू आर ऑल्सो गिवन विद एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, राइट। सो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज विच इज 179.9 kJ/mol, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ए। सो व्हाट डेटा आर गिवन हियर? यहां पे आपको सबसे पहले दिया है रेट कांस्टेंट मतलब के, एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2.418 × 10⁻¹⁵, सेकंड इनवर्स, एंड द टेंपरेचर इज आल्सो गिवन व्हिच इज 546 केल्विन, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लिखते हैं ई ए, इट इज 179.9 kJ/1000 × 10³ J/mol। You want to find the pre-exponential factor, मतलब आपको find करना है A, which is also called as Arrhenius constant, या इसको हम कहेंगे pre-exponential factor, या इसका एक और नाम था बच्चों, याद करो, frequency factor। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा use करेंगे Arrhenius equation। चलिए, तो Arrhenius equation कुछ ऐसा था कि K is equal to A into e raised to minus ea/rt. This was the Arrhenius equation, right? Rate constant k is equal to a into e raised to minus ea/rt. चलो, दोनों तरफ हम ln ले लेंगे, natural log ln k is equal to ln a, जो power में है वो आगे आ जाएगा, minus ea/rt आगे, and ln a जिसका value होता है 1. चलिए, ln को log में convert कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका log base 10k, ये हो जाएगा log base a. ओके, दोनों जगह पे 2.303 आएगा, जो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 r, राइट। ओके, दोनों जगह पे आपका जो ln है, देखो ये ln की जगह भी आप लिखोगे 2.303 log, ये ln की जगह भी आप लिखोगे 2.303 log, और फिर दोनों में से आपने 2.303 कॉमन निकाला, तो फिर वो वहां पे नीचे आ जाएगा, बिकॉज इसके पास नहीं है 2.303, तो वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स पुट द वैल्यू, तो log ऑफ k, is equal to log a, ea value is 179, right, ea value is 179.9 × 10³ divided by 2.303,
विल पुट द वैल्यू ऑफ आर इन जूल यूनिट, बिकॉज अपना ये ईए किस में आ गया है, जूल में आ गया है, तो आर का वैल्यू हम जूल में रखेंगे विच इज 8.314 इंटू 1 बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 546। चलो तो इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे बच्चे, सबसे पहले आपका लॉग वाला जो आंसर है ना, कैल्सी के ऊपर आप लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आएगा -4.6184 इज इक्वल टू लॉग है। चलो यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीप्लाई डिविजन करोगे ये आएगा आपका 17.21। कितना आएगा बच्चों, ये आपका आएगा 17.21। चलिए इसको आप ले लोगे सामने तो लॉग ए का वैल्यू हो जाएगा 17.21 -4.6184, दिस इज गोना बी 12.5916। दैट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ए। तो इफ यू वांट टू फाइंड दिस ए यू हैव टू टेक एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑफ 12.5916। चलिए एंटीलॉग का रूल, पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग सीधा निकल जाएगा। रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में चला जाएगा, और 59 का 16 में जब आप लॉग एंटीलॉग देखोगे, इस तरह आपको देखना है एंटीलॉग। ओके, ये आपका एंटीलॉग टेबल है, उसमें आप यहां पे देखोगे 59, राइट, 59 के रो में एक नंबर वाले कॉलम में यहां पे जो आपका वैल्यू है वो, और यहां पे होता है आपका मीन डिफरेंस। तो आपको लास्ट कॉलम कितना दिख रहा है, 6 का दिख रहा है ना, तो वो आपको मीन डिफरेंस में जाना है 6 की लाइन में, उसको इसके अंदर जोड़ दीजिए, राइट। उसको जैसे ही आप इसके अंदर जोड़ोगे आपका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 59 से एक बार आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3900 आजू बाजू कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा 3900। आपको एक पॉइंट कट करके रखना होता है बाय डिफॉल्ट, दैट्स अ रूल ऑफ एंटीलॉग। तो योर वैल्यू ऑफ ए इज 3.9 × 10 to the power 12, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसका यूनिट होता है बच्चों सेकंड इनवर्स। जो यूनिट के का होगा वही यूनिट ए का होगा, इक्वेशन के हिसाब से देखो, जो यूनिट इस के का होगा ना वही यूनिट इस ए का भी होने वाला है, क्योंकि ये ई वाला टर्म तो यूनिट लेस होता है, तो के का यूनिट सेकंड इनवर्स था, तो यहां पे भी सेकंड इनवर्स आएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलेंगे सब लोग साथ में, कदम से कदम बढ़ाए जाओ। नंबर 24 क्या कहता है, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन ए टू द प्रोडक्ट विद द रेट कॉन्स्टेंट के 2 × 10⁻²² सेकेंड इनवर्स, कैलक्यूलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए इज 1 mole/L। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिया कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, तो आपको K दिया हुआ है 2 × 10⁻²² सेकंड इनवर्स, राइट। यू वांट टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, वेर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज ए जीरो लिख दो, दैट इज 1.0 mole/L इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको पूछा कि व्हेन द टाइम टी इक्वल टू 100 सेकंड, उसके बाद ये ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, ओके तो यहाँ पे आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं दिया है, बट अगर आप थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हो ना बाकी बच्चों से, तो आपको ऑर्डर सीधा पता चल जाएगा यूनिट ऑफ के से। के का यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो फ्रॉम दिस यूनिट, फ्रॉम द यूनिट ऑफ के आपको पता होना चाहिए सेकंड इनवर्स, मिनिट इनवर्स, आवर इनवर्स, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ऑर्डर है इसका, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। यू हैव टू मेंशन इट इन द सॉल्यूशन आल्सो, ओके, हम सॉल्यूशन में भी ये मेंशन करेंगे इस पॉइंट को, कि एस यूनिट ऑफ के इज सेकंड इनवर्स, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा है ये रिएक्शन भाई, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लगा देते हैं हम, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए जीरो बाई ए, हमने आर की जगह पे यहाँ पे ए नोटेशन लिया है, ठीक है। चलो टी का वैल्यू है 100, 2.303, के का वैल्यू है 2 × 10⁻², लॉग ऑफ ए जीरो है आपका 1 डिवाइड बाई ए। चलिए सिंपलीफाई करना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 / 2.303,
दैट इज गोना बी 0.8684. करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपका 0.8684 इज इक्वल टू लॉग 1 बाय ए. क्या है भाई आपका, ये है आपका लॉग 1 बाय ए. चलिए क्या करेंगे बच्चों, लॉग 1 बाय ए आया तो आपका एंटी लॉग करना पड़ेगा आपको. चलिए जैसे ही आप बच्चों एंटी लॉग करोगे क्या हो जाएगा ये, तो एंटी लॉग ऑफ 0.8684 इज इक्वल टू 1 बाय ए. चलो एंटी लॉक का रूल पॉजिटिव नंबर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. एंटी लॉक का रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में 86 का 86 वाली रो में 8 नंबर के कॉलम में 4 नंबर के मीन डिफरेंस के साथ जब आप एंटी लॉक देखोगे तो आपका ये एंटी लॉक आएगा बच्चों 7358 आजू बाजू आएगा कुछ. और आपको बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट कट करके रखना होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय ए राइट. तो चलिए आप ऐसे इसको इन्वर्स करोगे आपका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू, इन्वर्स करना पड़ेगा ना, तो ए इक्वल टू 1/7.358 एंड दिस इज गोना बी 0.135 मोलर. ओके तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 मिनट. क्या हो गया भैया आपका, ये हो गया आपका एक सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 सेकंड. दिस इज योर आंसर. तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था पर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं दिया था तो आपको खुद से फाइंड करना था के यूनिट को यूज करके. जब तक आप के का यूनिट नहीं देखोगे तब तक आपको ऑर्डर पता नहीं चलेगा, ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो आप रेट इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ध्यान रखना है आपको. चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है स्क्रीन पे देखो. ओह द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज दिस इक्वेशन के इज इक्वल टू 4.5 into 10 power 11 second inverse e raised to minus 28,000 k right. मुझे लग रहा है equation अपना गायब हो गया बीच में से. ये कौन सा है, 26 आ गया, 25 कहाँ गया. ओके क्वेश्चन नंबर 25 गायब हो गया, मैं बाद में करा रहा हूँ, पहले 26 नंबर पे आ जाओ. चलो ओके 25th में इसके बाद करा देता हूँ, पहले ये खत्म करते हैं. आपको फाइंड करना है इसके ऊपर से कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा. तो यहाँ पे आपको रेट कॉन्स्टेंट क्या दिया है, रेट कॉन्स्टेंट k दिया है आपको 4.5 into 10 power 11 e raised to minus 28,000 by t. ये जो k है ना, this k is a unit. ये k जो है वो unit है, तो उसको आपको नहीं ध्यान में लेना है. ठीक है, आप खाली values ध्यान में लेने वाले हो. ओके हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको compare करेंगे with Arrhenius equation. Comparing this with Arrhenius equation. चलिए क्या है भाई, तो Arrhenius equation है आपका k is equal to a into e raised to minus ea by rt. कंपेयर करो, चलो कंपेयर करोगे तो a की जगह पे ये वाला टर्म है, t अपना काम कर रहा है नीचे. तो बाकी अगर कंपेयर करोगे तो 28,000 था, 28 लाख था, मैंने एक मिनट ज्यादा लगा दिया है. ओके अब जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो 28,000 है वहां पे ये कम ईए बाय आर को मिलके करना है. तो यू कैन राइट हियर के ईए बाय आर अगर नहीं मिल पे 28,000 तो यार एक्टिवेशन है इक्वल टू 28,000 इनटू आर. चलो आर का वैल्यू जूल में डाल दो, 8.314 जूल. ओके चलो जैसे ही आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 232792 जूल. और किलो जूल में आप लिख सकते हो बच्चों 232.8 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इन किलो. इस तरह से आपको खाली कंपैरिजन करना था, आपको बेसिक आरएनए पता होना चाहिए. फिर दोनों तरफ से आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो 28,000 है वहां पे इसकी जगह पे कौन है, ए बाई आर है. चलो बच्चों 4.25 में देख लेता हूँ, शायद इसके बाद ना हो स्लाइड में, है ना. 4.25 सुक्रोज डीकंपोजेस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू, यही तो चाहिए हमें, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ राइट. किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है भाई, वो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है जिसका हाफ लाइफ दिया है आपको 3 आवर. वॉट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ द सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स. तो डेटा क्या क्या है बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स द फर्स्ट थिंग.
राइट, जिसका आपको टी हाफ दिया हुआ है, 3 आवर। तो पहले आप इसके के निकाल दो, तो फर्स्ट ऑर्डर का के होता है 0.693 बाई टी हाफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है ना, 0.693 बाई के, तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज 0.693 बाई 3 आवर। ये हो जाएगा आपका 0.231 आवर इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा आपका 0.231 आवर इनवर्स, दैट्स अ वैल्यू ऑफ के। चलो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर, क्योंकि आपका फ्रैक्शन क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में है, राइट। तो हम कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि इनिशियल फ्रैक्शन कितना है, 1 है, बिकॉज टोटल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है। तो वी विल कंसिडर दैट, लेट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर ओ इज इक्वल टू 1, राइट, बिकॉज क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो हम 1 लेंगे, परसेंटेज में होगा तो हम 100 लेंगे, राइट। चलो, तो आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करोगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर। आपको ये आर ही निकालना है कि कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा, ठीक है, हो जाएगा। टाइम दिया है आपको, कितना टाइम के बाद फाइंड करना है, सैंपल ऑफ द सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। पूरा क्वेश्चन आवर में ही है तो कन्वर्ट करने का काम नहीं है, के का वैल्यू भी आवर में ही है, देखो आवर इनवर्स में 0.231 जो हमने फाइंड किया, आर जीरो का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई आर। चले, पहले आप जैसे इतने को सिंप्लीफाई करोगे, 8 × 0.231 डिवाइड बाई 8, आप जैसे ही डिवाइड बाई ये 2.303 करोगे, राइट, तो आपका ये जो टर्म है वो कितना आएगा, मैं बताऊं आपको, ये टर्म आएगा आपका 0.8024। तो यू विल गेट ये लॉग 1 बाई आर, कर लोगे ना कैलसी पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका 0.8024। चलिए, वापस वही कहानी एंटी लॉग की, 1 बाई आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8024। चलिए, पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में जाएगा, जो पॉइंट के पीछे है उसका एंटी लॉग देखोगे आप, जैसे ही 80 के 24 के अंदर, 80 का जैसे ही आप 24 में एंटी लॉग देखोगे तो आपको ये एंटी लॉग कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 6345। बाय डिफॉल्ट आपको एक पॉइंट कर करके डालना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय आर, इसको इन्वर्स करो, आर इज इक्वल टू 1/6.345, आंसर इज गोना बी 0.1567। तो दिस इज द फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, दिस इज द रिमेनिंग फैक्टर्स। रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रिएजेंट आफ्टर 8 आवर, राइट। तो सिंपल सा ये सवाल था, आपको खाली डेटा 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 रख के सॉल्व करना रहेगा। चलो बच्चों, अगला सवाल 27 क्या कहता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ओके, राइट, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग इक्वेशन। चलेगा, आपको इक्वेशन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। किस टेम्परेचर पे उसका हाफ पीरियड 256 मिनट होगा। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है वो लिखेंगे बच्चों, हमें इक्वेशन दिया हुआ लॉग के इज 14.34 − 1.25 × 10⁴ के इज द केल्विन डिवाइड बाय टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड आर्हेनियस इक्वेशन के लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, मैं डायरेक्ट इसका लॉग फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा वापस एक बार। तो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है के इज इक्वल टू a·e−eA/RT। ओके, दोनों तरफ आप पहले नेचुरल लॉग ले लोगे और उसके बाद आप जैसे ही नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपका इस तरह से टर्म हो जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोना गेट।
राइट right, आप थियरी में भी देख सकते हो, मैंने अभी आगे वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी ये करके आपको दिखाया ही था ऑलरेडी। अब आप कंपैरिजन करोगे खाली बच्चों, इक्वेशन नंबर वन एंड टू को खाली कंपेयर करो, कंपेयर वन एंड टू। तो देखिए बच्चों, जैसे आप कंपेयर करने वाले हो ना, बताता हूं मैं आपको क्या होगा। यहां पे जो काम आपका ये वाला टर्म कर रहा है ना 1.25 × 10⁴, उसकी जगह पे यहाँ पे ये वाला टर्म है ea by 2.303r, because दोनों के नीचे 1/t है, यहाँ भी 1/t है साथ में, right? तो यहाँ पे ये जो काम 1.25 × 10⁴ का है, वो काम यहाँ पे कर रहा है ये ea by 2.303r। तो you can write here ea by 2.303r is equal to 1.25 × 10⁴, this is what you can write। ओके चलिए, जैसे आपने इतना लिखा आप खाली कंपेयर कर लो बच्चों, सॉफ्ट से सिंपलीफाई करना है आपको। ये इक्वल टू 1.25 × 10⁴ × 2.303, आर का वैल्यू जूल में डाल दो बच्चों 8.314। चलो आपको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 23.93 राइट इंटू 10⁴ जूल पर मोल। आपको किलो जूल में अगर लिखना है तो आप एक 10⁻ यहां पे दे दोगे तो 239.3 हो जाएगा, और साथ में होगा 10⁻³, दैट इज किलो। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये किलो जूल के अंदर ये होगा 239.3 किलो जूल पर मोल, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट विच द हाफ पीरियड इज 256, और ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। ये देखो यहां पे, तो हम यहां पे लिखेंगे कि बाई फॉर फर्स्ट ऑर्डर, पहले आप के निकाल लो, फिर तो खाली आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के होता है 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज 0.693। चलो हमें हाफ लाइफ कितना करना है भाई, तो हमें हाफ लाइफ का वैल्यू करना है 256। तो आपका के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, डिवाइड करोगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा 4.51। ओके एक काम करते हैं, इसको सेकंड में ले लेते हैं, लेट्स टेक इट इन द सेकंड यूनिट। सेकंड में लोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को इनटू 60 करेंगे। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी हाफ है आपका 256 मिनट इनटू 60 करेंगे, दैट इज सेकंड राइट। तो आपका के का वैल्यू आने वाला है 4.51 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। चलिए अब ये के के रिकॉर्डिंगली टेम्परेचर क्या होगा, आपको ये पूछा है ना किस टेम्परेचर पे टी हाफ का वैल्यू आपका ये होगा। तो जब टी हाफ का वैल्यू इतना है तो के का वैल्यू ये रहा, मतलब किस टेम्परेचर पे के का वैल्यू ये है। तो आपको इक्वेशन नंबर वन जो आपको दिया था ना, उसके अंदर आपको खाली के का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके ये टी निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे के पुट वैल्यू ऑफ के इन गिवन इक्वेशन। ओके इट इज लॉग के, के का वैल्यू है 4.51 × 10⁻⁵ × 14.34 − 1.25 × 10⁻⁴ by temperature T। चलिए इसका लॉग का आंसर आएगा आपका −4.35 इज इक्वल टू 14.34 − 1.25 × 10⁻⁴ / T। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले टर्म को इस तरफ लेते तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 14.34, ये माइनस वाले टर्म को सामने ले लो, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 18.69 राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट, तो टी इज इक्वल टू 1.25 × 10⁴ / 18.69। चलो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 669 केल्विन राइट। तो एट दिस टेम्परेचर हाफ लाइफ विल बी दिस 256 मिनट, विल मेक अ स्टेटमेंट एट दिस टेम्परेचर हाफ लाइफ इज 256 मिनट, जो आपको पूछा गया है। ओके तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कंपेयर करना था इसको आपको आर्हेनियस इक्वेशन के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल क्या है देखते हैं। ओके फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीकंपोजिशन ऑफ ए
into product has value of K is 4.5 into 10 power 3 second inverse at 10 degree Celsius and energy of activation is 60 kilojoule per mole. At what temperature would the K be 1.5 into 10 power 4? Right, तो ये question है आपका temperature और K को relate करने वाला question. ठीक है, तो हमें जो data दिया है वो लिखते हैं. चलो पहला आपको दिया हुआ है K का value, उसको K1 नाम दे दो. 4.5 into 10 power 3 second inverse कितने temperature पर है वो 10 degree Celsius, तो इसको आप नाम दे दोगे बच्चों T1, जो है आपका 10 degree Celsius, जिसको आपको Kelvin में convert करना पड़ेगा compulsory. Kelvin temperature को हम capital में indicate करते हैं 283 Kelvin. चलिए फिर क्या कहा है, energy of activation is given EA 60 kilojoule multiply by 1000 कर लो joule per mole, क्योंकि हमने joule में रखा है तो R का value हम लेंगे इसके अंदर 8.314 जूल पर मोल केल्विन. एट व्हाट टेम्परेचर वुड द के बी 1.5 इनटू 10 पावर 4? तो अब के2 का वैल्यू कितना करना है आपको, 1.5 इनटू 10 पावर 4 करना है, तब ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये आपको पूछा है. राइट ओके, कितने टेम्परेचर पे के का वैल्यू बदलेगा, तो यहां भी हम आरहेनियस इक्वेशन ही यूज करेंगे. टेम्परेचर और रेट का रिलेशन आए, आपको आंख बंद करके यूज कर लेना है आरहेनियस इक्वेशन. तो आरहेनियस इक्वेशन दो कंडीशन दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन यूज करोगे बच्चों लॉग ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर. लॉग ऑफ, देखो के टू ऊपर है राइट, तो टी टू कहां जाएगा, पीछे जाएगा, और टी वन कहां आएगा, आगे आएगा. चलिए बच्चों वैल्यूज डालते हैं. लॉग ऑफ के टू, के टू वैल्यू है 1.5 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 4.5 इनटू 10 पावर 3. ईए का वैल्यू है हमारे पास, यस पुट इट हियर 60,000, 2.303. आर का वैल्यू रखेंगे 8.314, यहां पे लॉग नहीं आएगा इक्वेशन में, वाज अ मिस्टेक, इनटू 1 बाई टी वन. टी वन का वैल्यू कितना है 283 माइनस 1 बाई टी टू. टी टू हमें फाइंड करना, ये हमारा टारगेट है. चलिए सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, अब तो आपको खाली सिंप्लीफिकेशन ही करना है. ओके चलो, जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन में जाओगे आपका ये लॉग वाला जो रेशियो है ना, ये हो जाएगा आपका लॉग 3.333. राइट चलो, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 3133.62 एंड दिस इज 1/283 माइनस 1/T2. राइट चलिए, इसका लॉग का वैल्यू जैसे आप निकालोगे 3.3333 का, तो लॉग का वैल्यू आएगा आपका 0.5288. राइट, डिवाइड करोगे आप इससे 3133.62 से, दिस इज गोना बी 1/283 माइनस T2 इज व्हाट यू विल गेट. राइट चलिए, अब आप फ्रैक्शन लेके सिंप्लीफाई करोगे. ओके ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करते जाना इसको, जैसे ही आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे बच्चों. ओके तो आपका T2 का वैल्यू बता दो कितना आएगा वो. चलो आपका T2 का वैल्यू केल्विन में आने वाला है, विच विल कम एज 297.19 केल्विन. कर लोगे ना इतना सिंप्लीफाई तो अभी. राइट, ये 1/283 निकालना कितना आता है वो, ये निकालना कितना आता है, और फिर इसको इन्वर्स करना. ओके तो आपको 1/T2 पर से इन्वर्स करोगे तो T2 का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट विल बी दिस वैल्यू. केल्विन में आएगा, अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो 273 सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों. ओके जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर हो जाएगा 24.19 डिग्री सेल्सियस, 24.19 डिग्री सेल्सियस. राइट चलो, मैं आपको ये फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं कितना आएगा, कैसे आएगा एग्जैक्टली, वो कितने डिजिट तक आपको वैल्यूज डालने हैं. जरा एक सेकंड दो, टेक माय कैलसी. ओके दिस इज 0.5288 डिवाइड बाई 3133.62. चलो ये आएगा आपका 0.0001687. ये आएगा आपका 0.0016875. ओके फिर 1/283 करो, 0.003533. माइनस 1/T2. राइट तो आपका 1/T2 वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां पे 1/T2 का आपका वैल्यू आएगा 0.0353335
माइनस 0.00 16875। ओके तो बताओ कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये आएगा आपका सब्ट्रैक्ट करके 0.00 16875। कई बार आप कैलकुलेशन में गलती कर जाते हो, ये आएगा आपका 0.00336 48। दैट्स अ वैल्यू ऑफ 1/T2 राइट। अब आप जैसे इसको उल्टा करोगे ना, 1 डिवाइड बाई 0.00336 48, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 297.19 एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ये। ओके और फिर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, तो एट दिस टेम्परेचर योर के विल बिकम 1.5 × 10⁴। तो जब भी आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर एंड के दोनों का रिलेशन दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे आरहेनियस इक्वेशन को लेना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, इस आरहेनियस इक्वेशन को हमें लेना पड़ेगा। चलिए बच्चों अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल। हाँ ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आई विल से दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट एट 298 केल्विन इज इक्वल, कौन कौन इक्वल है टाइम किसके लिए, 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308। तो आपको दो टेम्परेचर दिए बच्चे, एक है आपका 298, एक है आपका 308। तो मैं यहां पे एक टेम्परेचर ले रहा हूं T1 298 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर मैं ले रहा हूं T2 308 केल्विन, बराबर ये आ गए दो टेम्परेचर ठीक है। चलिए इस टेम्परेचर पे 10% रिएक्शन कंप्लीशन का जो टाइम है, तो इस टेम्परेचर पे टाइम फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन is same as a time for 4 हो गया, time for 25% completion of a same reaction at temperature T2 is at temperature T1 right। okay तो चलिए पहले मुझे दोनों reaction का order कौन सा दिया है, तो first order reaction है। okay तो यहां पर आप highlight कर लोगे भाई के reaction का order है first, चलो तो मैं क्या करूंगा पहले दोनों टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट के है ना उसका रेशियो निकाल लूंगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द के रेट कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर 318 केल्विन एंड आल्सो वी वांट टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, हो जाएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। तो आप पहले खाली टाइम पे ध्यान दो, टाइम फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम का इक्वेशन होता है बच्चों 2.303/k, मैं यहाँ पे K1 नाम दूंगा, लॉग ऑफ, चलो क्योंकि क्वेश्चन आपका परसेंटेज में है तो आप इनिशियल वैल्यू लोगे 100, 10% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना यहाँ पे 100 - 10, दिस इज इक्वल टू 2.303/k2, रेट कांस्टेंट बदल जाएगा टेम्परेचर के साथ, दिस इज लॉग ऑफ 100, हियर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाई 25%, तो ये कितना बचेगा आपका 100 - 25, समझ रहे हो। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम का इक्वेशन दोनों तरफ लगा दिया और उसको इक्वलाइज कर दिया है। Okay, 2.303 will be cancelled. तो ये हो गया आपका 1/k1 log of 10/9. That is 100/90. 1/k2 log of 100/20, 100/75. That is 4/3. Right? चलिए तो आपको रेशियो मिल जाएगा बच्चों K2 and K1 का. K2/K1 is equal to log 4/3 divided by log 10/9. राइट तो ये जो आपको रेशियो मिलेगा ना बच्चों K1 और K2 का, राइट तो दिस रेशियो ऑफ द K2/K1 सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा ये 2.73। दोनों लॉग का वैल्यू निकाल लेना और सिंप्लीफाई करना, आपको ये पहला स्टेप मिलेगा रेशियो ऑफ द K, यही आपका इंपॉर्टेंट टर्म था, दिस रेशियो इज 2.73, मतलब दो टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कॉन्स्टेंट है उसका रेशियो आपके पास आ गया, दिस रेशियो इज 2.73। चलिए जैसे आपके पास के का रेशियो आ गया, अभी दो अलग अलग टेम्परेचर है आपके पास, आप आरहेनियस इक्वेशन यूज करो। चलिए हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग आरहेनियस इक्वेशन,
तो आरहेनियस इक्वेशन क्या कहता है बच्चों, लॉग के टू बाई के वन इज ई ए बाई 2.303। यार देखो आपको ई ए मिल जाएगा यहां से 1/T1 माइनस 1/T2। चलिए आ जाइए इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, वी हैव द वैल्यू ऑफ द के टू बाई के वन, मैं इसको निकाल देता हूं, नहीं तो जगह बहुत चली जाएगी। ओके, लेट मी राइट इट समवेयर हियर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। चलिए आ रहे हैं इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं बच्चों, लॉग ऑफ के टू बाई के वन, दैट रेशियो वी हैव व्हिच इज 2.73। के टू के वन का रेशियो जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ईए डिवाइड बाई 2.303। आर का वैल्यू हम रख देंगे 8.314। आर का वैल्यू कितना रखेंगे भाई हम, आर का वैल्यू रखेंगे हम 8.314। ओके, चलिए 1/T1 माइनस 1/T2। T1 का वैल्यू कितना है, 298 है, और T2 का वैल्यू है 308। चलिए आई होप कि यहाँ पे आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका एक्टिवेशन एनर्जी ईए कितना आएगा, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा बच्चों 76640 जूल पर मोल। किलो जूल में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो 76.640 किलो जूल पर मोल, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ईए। ओके, चलो तो इसका सेकंड पार्ट देख लो फटाफट। द वैल्यू ऑफ द ए इज ऑल्सो गिवन टू यू। मैंने ए का वैल्यू देखा ही नहीं था, वैल्यू ऑफ द ए इज गिवन एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एट 318 केल्विन टेम्परेचर एंड ईए। ईए हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, जो पहले सिचुएशन दिए थे उससे। चलिए अब आपको क्या करना है, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट के एट वॉट टेम्परेचर, एट 318 केल्विन टेम्परेचर। ये आपको फाइंड करना है, जहां पे आपको ए का वैल्यू दे दिया गया है विच इज 4×10^10। तो आप सीधा सीधा आरहेनियस इक्वेशन अप्लाई करोगे बच्चों, लॉग फॉर्म वाला, दैट इज लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ये तो और ज्यादा सिंपल है, माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर बाई टी, राइट। चलिए लॉग के हमें फाइंड करना है, ए का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 4×10^10, माइनस ई ए का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है 76640 2.303, आर का वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर लेना है हमें 318। चलिए बच्चे लॉग वाला जो टर्म है ना वो आएगा आपका 10.60 कुछ आएगा आपका लॉग वाला जो टर्म है वो, राइट, दिस गोना बी 10.6021 लॉग का वैल्यू, राइट, बिकॉज ये 10 पावर दिख रहा है, 10^10 पावर आगे आएगा और 4 का लॉग होता है 0.6021, तो दिस इज 10.6021 माइनस। चलिए इतने पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आने वाला है आपका 12.5870। ओके, इतने पार्ट को आप सॉल्व करना, दिस विल बी 12.5870, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1.9849। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग के। अब आपको निकालना है बच्चों एंटी लॉग, नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव का एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं निकलता है, आपको बार का कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपको बार का कंसेप्ट याद होना चाहिए। चलिए बच्चों बार कंसेप्ट क्या कहता है, माइनस वन में से एक और सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया माइनस टू, दैट इज 2 बार, और पीछे वाले नंबर को एक में से माइनस करो, दैट इज 1-0.9849, दिस इज गोना बी 0.151। अब आप एंटी लॉग निकालो तो पॉइंट के पहले जो है वो 10^10 में चला जाएगा, 10^-2, ये 0, 1 का 5, 1 में एंटी लॉग देखना, ये होगा 1035, और बाय डिफॉल्ट आप एक पॉइंट काट करके रख दो, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द के, दिस इज द एंटी लॉग, राइट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द के एट व्हाट टेम्परेचर, 318 केल्विन टेम्परेचर, राइट। लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए निकालना, खाली कैलसी के भरोसे लॉग एंटी लॉग पे बैठे मत रहना, नहीं तो आपके आंसर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, राइट। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग आपको कैलसी के ऊपर कभी नहीं निकलता है सही, ओके, वो ऑलवेज गलत ही निकलेगा। लॉग के लिए आप एंटी लॉग के लिए आप कैलसी यूज करो, दिक्कत नहीं है, बट एंटी लॉग के लिए आपको कैलसी कभी यूज करना नहीं है, आपको बेसिक रूल्स तो आने ही चाहिए लॉग और एंटी लॉग के, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सक्सेसफुली रहना है तो। चलिए बच्चों आखिरी सवाल क्या कहता है एक्सरसाइज का, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 30। चलिए द रेट रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना हो जाएगा रेट। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। चलो तो आपको दो टेम्परेचर दिया है बच्चों, T1 है 293 केल्विन और वहां से टेम्परेचर हमने बढ़ा के किया 313 केल्विन, रेट हो गया क्वाड्रुपल्स मतलब 4 गुना हो गया। तो अगर आपका K1 का वैल्यू K है तो K2 से 4 गुना हो जाएगा मतलब 4K हो जाएगा।
आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। अब क्या बताऊं आपको, अभी आगे तो किया हमने, यू विल यूज दिस अर्हेनियस इक्वेशन लॉग के टू बाई के वन ई ए अपन 2.303 आर 1 अपन टी वन माइनस 1 अपन टी टू, के टू ऊपर है तो टी टू पीछे आएगा, राइट। चलो लॉग ऑफ के टू इज 4 के ऊपर से वैल्यू रखते जाओ, के वन इज के, ई ए का वैल्यू फाइंड करना है 2.303 बाई आर, आर का वैल्यू है 8.314 जूल यूनिट में, 1 बाई टी वन, टी वन का वैल्यू है 293, टी टू का वैल्यू है 313, ओके। चलो यहाँ पे फ्रैक्शन में सॉल्व करने की कोशिश मत करना है, के कट हो जाएगा। लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.6020 या 21 लिख सकते हो आप, ई ए डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314। चलिए आप यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 313 इंटू 293। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, बाकी हम तो आप कर ही लोगे, आपको डिफिकल्ट है नहीं, ये सब कुछ सामने जाएगा, नीचे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 52863। आर का वैल्यू जूल में रखा था तो ये भी आएगा आपका जूल पर मोल, अगर आपको मन है किलो जूल में कन्वर्ट करने का तो कर लेना, 552.863 किलो जूल पर मोल, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कंप्लीट